मॉड्यूल सी लेकर आइए। वैट स्टार्ट होगा। मई 2014 में 25 नंबर और नवंबर 2014 में। सुमित जी, वैट का पीडीएफ फाइल आप मेल साइट पर डाल दीजिए, गैप ब्राइट के साइट पर है आपके पास। मॉड्यूल सी है, नहीं हो तो मेरे पास पड़ा हुआ है मेरे सेल में, ब्लूटूथ से आप लेकर उसको करिए, जल्दी से करवाइए। जिन जिस भी सेंटर में नहीं है वो प्रिंट आउट देंगे। और नवंबर 2014 में 15 मार्क्स का आएगा। ये जो 10 मार्क्स कम हो गए, ये 10 मार्क्स आपको एक्साइज और सीएसटी का बेसिक कंसेप्ट पूछा जाएगा। मैं वो भी कराऊंगा। सीएसटी का बेसिक कंसेप्ट तो हम वैट के साथ कर लेंगे, एक्साइज का बेसिक कंसेप्ट हम बाद में करेंगे। एक्साइज का बेसिक कंसेप्ट हम मई 2014 के स्टूडेंट्स को विदा करने के बाद इमीडिएटली उसको भी कवर कर लेंगे, राइट? तो जिनको बुक नहीं मिली, फिलहाल तो स्टडी शुरू कीजिए। और मैं अभी गैबराइट के साइट पर ये नोट्स डलवा रहा हूं, अपने सेंटर से कह के उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, घबराइए मत। मई 2014 के लिए एक्साइज नहीं है सिलेबस में, सीएसटी भी नहीं है, लेकिन सीएसटी का जो रेलिवेंस आता है वैट में, सीएसटी का रोल वैट में भी आता है। वो रोल आपके आपसे पूछा जाएगा और वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। सर, आप नोट्स भी अपलोड करा दें, करा दे रहे हो क्या? हाँ, नोट्स में वैट के अपलोड करवा रहा हूं अभी, गैप ब्राइट के साइट पर। आपके सेंटर के कोऑर्डिनेटर से कहिएगा, थोड़ी देर में चेक करेंगे और आपको वो प्रिंट आउट दे देंगे, क्लास के एंड एंड तक दे दें एटलीस्ट। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में तो डेफिनेटली दे दें। बुक क्यों नहीं पहुंचा वो वहां पे फटाफट निपटाएं उसको, करें। कल कोई बजट नहीं आया है, आपको कुछ कंफ्यूजन है। इंटरिम बजट इज नॉट अ बजट। इंटरिम बजट दिया जाता है अपने व्यू को देने के लिए, और उस व्यू को जब आ, 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 मत मिलता है, बहुमत मिलता है, उससे वो फाइनल बजट इंट्रोड्यूस करते हैं। फाइनल बजट 2014 का जो आएगा वो एप्लीकेबल होगा 2015 मई और नवंबर 2015 में। 2015 में जो स्टूडेंट्स अपियर होंगे उनके लिए ये बजट 2014 आएगा, आपके लिए नहीं आएगा, ठीक है? अपलोडेड है कौन सा? वैट सारी है सर, मॉड्यूल सी की जितनी भी थी। सारा क्यों करवा दिया है? चलिए बाकी हटा दीजिए, वैट कर रहने दीजिए, बाकी हटा दीजिए, हटा दीजिए डाउनलोड में, ठीक है बच्चों? तो डाउनलोड डाउनलोड सेक्शन में जाके, डाउनलोड सेक्शन में जाकर आप अपने कोऑर्डिनेटर को बोले कि वैट के नोट्स प्रिंट करके दे दें। आपको वैट के नोट्स प्रिंट करके दे दें जब तक बुक अवेलेबल नहीं होता है। ये अभी भी अपलोड है गैप ब्राइट के साइट पर, गैप ब्राइट के साइट पर नोट्स अपडेट अपडेट कर कर दिया गया है। आप अभी क्लिक करेंगे आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है? गैप ब्राइट का साइट खोलेंगे, वहां डाउनलोड सेक्शन बना हुआ है, वहां आप क्लिक करेंगे आपको वो नोट्स दिख जाएगा, ठीक है जी?
रेजिडेंशियल स्टेटस के जो भी डाउट हैं अभी आप उसको पेंडिंग रखिए, नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करके देंगे। अभी आप उसको पेंडिंग रखिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आज की क्लास जो इनिशिएट होगी वो खराब हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास बुक है वो नोट्स क्यों लेंगे बताइए, कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, बुक में है ही तो फिर नोट्स क्यों लेंगे। कैन वी स्टार्ट, अलाउ मी टू स्टार्ट द बिगेस्ट टॉपिक वैट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी है इस पे स्कोर करना। वैट पर आप 25 नंबर मई अटेम्प्ट में पूरा का पूरा 25 नंबर नहीं तो 20 नंबर पक्का लेंगे आप, गारंटेड 20 नंबर वैट से पक्का, और नवंबर के लिए 15 नंबर नहीं तो 12 नंबर पक्का। अगर आपने प्रयास किया ढंग से मेरे साथ साथ तो 15 का 15 मिल जाएगा। थ्योरी पार्ट्स के लिए कैसे प्रेजेंट करेंगे थ्योरी मैं वो भी सिखाऊंगा, और आपने अगर ढंग से सीख लिया तो पूरे नंबर आएंगे। हाँ जी, मॉड्यूल सी है वैट, अभी तक आप यही डिस्कशन कर रहे हैं कौन सा मॉड्यूल है, ऐसे शुरू कैसे करेंगे क्लास। करें शुरू आप, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। कंसेप्ट है वैट, शांत हो जाइए पहले और मुझे बेसिक और फंडामेंटल क्लियर करने दीजिए। वैट मई अटेम्प्ट वालों को मैं एक्साइज नहीं कराऊंगा क्योंकि एक्साइज उनके कोर्स में नहीं है, अगर उनको करना है तो वो कर लें, मैं नवंबर अटेम्प्ट वालों को कराऊंगा उनके साथ कर लेंगे। बताऊंगा, डिक्लेयर कर दूंगा डेट, डेट अनाउंस कर दूंगा। अभी तो मुझे मई अटेम्प्ट वालों के लिए कराना है, नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी वैट तो है ही 15 नंबर का। अभी आप ये प्रश्न का सिलसिला बंद करेंगे तो मैं क्लास शुरू कर पाऊंगा, अदरवाइज प्रश्नोत्तर चलते रहेंगे। तो अब शांत हो गए आप, प्रण करें हम वैट को बहुत अच्छे से करेंगे, इतने बढ़िया से करेंगे कि वैट का कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे नंबर जो भी आएगा वो पूरा हम ले लेंगे, नंबर जो भी आएगा हम पूरा ले लेंगे। चलिए, अब मैं आपके चैट को देख नहीं रहा इसलिए चैट करने का कोई फायदा नहीं है, जब मैं डाउट पूछूंगा तब चैट कीजिएगा। वैट क्या है, व्हाट इज वैट, जवाब है वैट, क्या जवाब है बोलिए, वैट सेल्स टैक्स लॉ है। जवाब क्या है, वैट इज अ सेल टैक्स लॉ, वैट इज अ सेल टैक्स लॉ। सेल टैक्स लॉ नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, वैट इज अ सेल टैक्स लॉ, नोट कीजिए। सेल टैक्स लॉ, सेल टैक्स सेल पर लगता है, सेल के दो प्रकार हैं, एक अंतरराज्यीय इंटर स्टेट सेल और एक है इंट्रा स्टेट सेल। सेल दो प्रकार के, एक क्या है इंटर स्टेट, नीचे लिखिए सेल दो प्रकार के, एक इंटर स्टेट, पहले लिखिए इंट्रा स्टेट,
इंट्रा मतलब क्या होता है? विदीन। और दूसरा सेल होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, इंटर स्टेट। तो दो तरह का सेल होता है, एक इंट्रा और एक इंटर। इंटर स्टेट का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जो एक राज्य से दूसरे राज्य सेल होता है उसको हम इंटर बोलते हैं, और जो एक राज्य के अंदर सेल होता है उसको हम इंट्रा कहते हैं। जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने देश को चलाने के लिए टैक्स इंपोज किया। टैक्स कई प्रकार के इंपोज किए, जैसे एक्साइज, जैसे कस्टम, जैसे इनकम टैक्स, जैसे वेल्थ टैक्स, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे सेल टैक्स, जैसे म्युनिसिपल टैक्स, जैसे रोड टैक्स, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे प्रोफेशनल टैक्स। तो हमारे देश में टैक्स की कमी नहीं है, पूरे विश्व में अकेला हमारा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक प्रकार के टैक्स इंपोज होते हैं। सबसे अधिक प्रकार के टैक्स हमारे देश में इंपोज होते हैं। तो हमारे देश में टैक्सों की लड़ी लगी हुई है, लेकिन टैक्सेस सरकार की रेवेन्यू है, खुराक है, जिससे सरकार देश को चलाती है। देश को चलाना है तो दो हिस्से में बांटना पड़ेगा, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो सरकार ने क्लियर कर दिया कि कौन कौन से टैक्स को राज्य सरकार कलेक्ट करेगी और अपने राज्य के डेवलपमेंट पे खर्च करेगी, कौन कौन सा टैक्स केंद्र सरकार कलेक्ट करेगा और पूरे देश के विकास पे खर्च करेगा, पूरे देश के विकास पे खर्च करेगा। जैसा आपने कहा बजट, तो बजट जो बनाया जाता है उसमें सबसे पहले क्या बनता है पता है आपको? जब भी बजट बनाया जाता है तो सबसे पहले बनता है एक्सपेंडिचर बजट। पूरे देश में 2014-15 में कितने खर्चे होंगे, और खर्चों को पूरा करने के लिए फिर उसके अगेंस्ट क्या बनाते हैं हम? टैक्स। टैक्स मान लीजिए पूरे देश में 15,000 करोड़ का खर्चा है, पूरे देश में 15,000 करोड़ का खर्चा है। 15,000 करोड़, वैसे मैंने बहुत ही गलत फिगर बताया, सही फिगर है 15,00,000 करोड़। जी हां, सही फिगर है 15,00,000 करोड़। 15,00,000 करोड़ का बजट बनता है पूरे देश का, केंद्र सरकार बनाती है। और इस 15,00,000 करोड़ में वो पैसा कैसे वसूलेगी? पहले वो कहती है डायरेक्ट टैक्स। लगभग 5 से 6 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स से लिया जाता है, लगभग सेम 5-6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। उसके बाद भी यदि कुछ बच गया तो सरकार क्या कहती है कि बजट हमारा डेफिसिट आ रहा है, बजट हमारा लॉस में आ रहा है, और फिर इसको पूरा करने के लिए हमें बाहर से लोन भी लेना पड़ सकता है, ठीक है, या सरकार के पास पुराने इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसे सेल आउट करके भी सरकार इसको मीट कर सकती है। तो पहले क्या बनता है बताइए? एक्सपेंडिचर बजट। फिर क्या बनता है? इनकम बजट। इनकम बजट यानी टैक्स बजट, टैक्स बजट जो हम लोग यूज करते हैं। तो जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने टैक्स का बंटवारा कर दिया और सेल टैक्स राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया, सौंप दिया। सेल टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है? ओनली स्टेट गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यह लिख कर देता है कि बिक्री कर यानी सेल टैक्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट लेवी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकता है। इनके अलावा, राज्य सरकार के अलावा, केंद्र सरकार को सेल टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आपने सुना होगा सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स। भाई ये क्या बला है, और सेंट्रल वर्ड क्यों यूज हो गया? केंद्र सरकार कांट लेवी द सेल टैक्स, सो सीएसटी क्या है? आज आपको सभी की परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी, परिभाषा ही नहीं बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी एक्सपर्ट हो जाएगा, लॉजिक भी आपको क्लियर हो जाएगा।
जरा समझिए। तो बताइए, देश आजाद हुआ तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देश का, देश में टैक्स का बंटवारा किया। अच्छा, तो बताइए टैक्स में सेल टैक्स किसको दे दिया, राज्य सरकार को। इनकम टैक्स किसने ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज में दो हिस्से कर दिए, शराब पर एक्साइज, शराब, लीकर, टबैको, इन सब पर, नशीली दवाइयों पर, नशीली चीजों पर एक्साइज राज्य सरकार लेगी, और इनके अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर एक्साइज केंद्र सरकार लेगी। तो बताइए एक्साइज का भी मैं थोड़ा सा फंडा क्लियर कर रहा हूं। एक्साइज कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी प्रोडक्ट है एक्सेप्ट लीकर, शराब, टबैको, गुटखा, पान मसाला, इनको छोड़कर बाकी सबों पर, बाकी सभी चीजों पर एक्साइज केंद्र सरकार लेवी करेगी। और बाकी टबैको, लीकर वगैरह पर कौन एक्साइज कलेक्ट करता होगा, बताइए, राज्य सरकार। ठीक है, चलिए बताइए इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स किसको मिला। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स का बंटवारा किसको हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेल टैक्स का बंटवारा, सेल टैक्स किसको मिला, सेल टैक्स मिला स्टेट गवर्नमेंट को। बस यही हो गई लड़ाई, यही होगी लड़ाई। 1950 और 52 के बीच की कहानी है। एक अजीब घटना घटी। एक महाशय जो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे दिल्ली में, उन्होंने सामान बेचा। सामान खरीदने के लिए एक सरदार जी आए। सरदार जी पंजाब से बिलोंग करते थे। सरदार जी ने कहा कि ये जो सामान है ये आप मेरे बिजनेस जग, बिजनेस प्लेस पे डिलीवर कर देना। दिल्ली के व्यापारी ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप बताइए एड्रेस, बताइए एड्रेस है हरियाणा। ओ हरियाणा, आप हरियाणा से आए हो? नहीं 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 नहीं, मैं तो पंजाब से आया हूं, तो गुड्स हरियाणा डिलीवर करना है, हरियाणा में मेरा ब्रांच है। ओके ओके ओके, आप बिजनेस करते हो? कहां बिजनेस करते हो सर? मैं तो पंजाब से आया हूं, पंजाब में बिजनेस करता हूं। और सामान कहां से खरीद रहे हो सर? सामान तो दिल्ली से खरीद रहा हूं। अच्छा, डिलीवरी कहां करनी है सर? डिलीवरी तो हरियाणा में करनी है। ठीक है, पैसा, बोलिए पैसा। पैसा आपको मैं अभी दे देता हूं। तो बताइए सरदार जी ने पैसा कहां दे दिया, दिल्ली में। व्यापार कहां करते थे, पंजाब में। गुड्स कहां डिलीवर किया गया, हरियाणा में। अब इस सेल पर टैक्स कौन सी सरकार लगाएगी, जिस राज्य से सेल हुआ या जिस राज्य में सेल पूरा हुआ। सेल पूरा कब माना जाता है पता है आपको, आपने एक टीवी परचेस की, टेलीविजन, और आपने पैसे दे दिए दुकानदार को। दुकानदार कहता है होम डिलीवरी करवाएंगे। होम डिलीवरी जब तक नहीं होती तब तक सेल पूरा नहीं होता। मान लीजिए रास्ते में ही अगर आपकी टेलीविजन नष्ट हो जाए तो क्या आपका नुकसान माना जाएगा? नहीं, वो बिजनेसमैन का नुकसान माना जाएगा, डीलर का नुकसान माना जाएगा, और डीलर आपको दोबारा दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, देगा, डिलीवर करेगा। यानी सेल पूरा तब होता है जब माल डिलीवर हो जाए। आप हाथ के हाथ अगर टीवी ले लें और अपनी कार में बैठ के लेकर चले जाएं तो डिलीवरी तो ले ली आपने, देन सेल पूरा हो गया। लेकिन अगर डिलीवरी आपके घर पे होनी है तो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती सेल पूरा नहीं होता। तो बताइए ये जो मैंने घटना बताई इसमें सेल कहां पूरा हुआ, सेल पूरा हुआ हरियाणा में। ठीक बात, तो हरियाणा की सरकार कहती है कि बस सेल ही यहां खत्म होगा, सेल अगर यहां, यहां डिलीवरी ना हो तो सेल ही पूरा नहीं होता, फिर सेल टैक्स तो हरियाणा की सरकार लेगी। दिल्ली बीच में कहां से आया, दिल्ली सरकार कहती है रुक भाई, जब माल चलेगा ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे, और चल कहां से रहा है, दिल्ली से, हम और सिर्फ हम सेल टैक्स लें। इन दोनों की लड़ाई को सुनकर पंजाब सरकार ने कहा कि ओ भाई साहब, सेल टैक्स दरअसल में भुगतता कौन है, कंज्यूमर, और यहां कंज्यूमर हमारे सरदार जी हैं, सेल टैक्स तो वही दे रहे हैं। भाई माल बेचने वाला तो यह कहता है कि 1,00,000 रुपए का माल प्लस 10% का सेल टैक्स 1,10,000 दो, तो 10,000 दो हमारे सरदार जी ने दिया है और वो तो पंजाब के हैं, तो जो देने वाला सेल टैक्स पंजाब का है तो पंजाब गवर्नमेंट क्यों ना ले सेल टैक्स।
और ऐसी घटना 1952 में 1952 में हुई और तीनों राज्य ने दबा के इस पर सेल टैक्स चार्ज कर दिया, तीनों राज्य ने। क्योंकि बताइए, जब मैं कहता हूं सेल टैक्स राज्य सरकार के नियम है, तो राज्य सरकार अपने राज्य में जो नियम बनाएगा उसी वही नियम फॉलो होगा। तो हरियाणा में क्या नियम बना कि अगर सेल हरियाणा में पूरा होता है तो सेल टैक्स हरियाणा सरकार लेगी। दिल्ली में क्या नियम बना, अगर सेल दिल्ली से चलता है तो दिल्ली सरकार सेल टैक्स लेगी। और पंजाब में क्या नियम बना दिया उन्होंने, अगर सेल टैक्स भुगतने वाला व्यापारी या कंज्यूमर पंजाब का है तो पंजाब सेल टैक्स वसूलेगी। और तीनों राज्यों ने दबा के सेल टैक्स ले लिया, गुड्स क्या हो गए महंगे। और लड़ाई झगड़े अलग, अगली बार फिर हम देख लेंगे, अगली बार फिर तुम देख लेना और फिर हम देख लेंगे। केंद्र सरकार ने इन तीनों राज्यों को बुलाया और कहा शांत हो जाओ तीनों, इस सेल पर जो तुमने नियम बनाए हैं। बच्चों, यहां मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, शब्दों को ध्यान से सुनना। इस सेल के ऊपर जो टैक्स लगाने का प्रावधान, प्रोविजन, नियम बनाया है तुम तीनों राज्यों ने, वो तीनों राज्यों के प्रोविजन इस सेल पर लागू नहीं होगा। मैं कैसे नहीं लागू होगा, सेल टैक्स तो राज्य सरकार लेती है, तुम कौन? मैं केंद्र सरकार। और तो तुम लेओगे क्या? नहीं, लेगा तो राज्य सरकार ही। तो फिर तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? चुप हो जाओ दो मिनट। अगर कोई सेल इंटर स्टेट सेल हुआ, सेल एक राज्य से दूसरे राज्य हो रहा है, तो ऐसे सेल पर लोकल सेल टैक्स के यानी स्टेट गवर्नमेंट के कोई कानून अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, फिर क्या अप्लाई होगा? सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1956, 1956 में सरकार ने बनाया क्या, सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट, और कहा कि जो भी इंटर स्टेट सेल होगा उस पर सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट लगेगा। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि केंद्र सरकार लेगी सेल टैक्स। अरे नहीं, केंद्र सरकार कैसे ले लेगी सेल टैक्स? सेल टैक्स तो राज्य सरकार की खुराक है, केंद्र सरकार। क्या ये कोई लड़ाई हो रही है कि बंदर की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार ले गई? ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सेल टैक्स तो राज्य सरकार ही लेगी, लेकिन राज्य सरकार कैन नॉट लेवी द प्रोविजंस ऑफ लोकल सेल टैक्स ऑन इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल पर जो नियम लगेंगे वो नियम होगा केंद्र सरकार का सीएसटी एक्ट, सीएसटी एक्ट, सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट। मात्र 50 पन्नों के अंदर है, बहुत छोटा है, और उसमें छोटी छोटी बातें लिखी हुई है और लड़ाई झगड़े खत्म। क्या लिखा है? जब भी इंटर स्टेट सेल हुआ तो इस पर सीएसटी के नियम लगेंगे, लोकल सेल टैक्स का नियम इस पर नहीं लगेगा, इस पर नियम ही नहीं लगेगा। कट। अगला पॉइंट, इस सीएसटी को कौन सी सरकार वसूलेगी जहां से सेल का मूवमेंट शुरू हुआ, गुड्स जहां से चला वही सरकार वसूलेगी क्या? सेंट्रल सेल टैक्स। यानी वसूलने का अधिकार किस राज्य को दिया? जिस राज्य से गुड्स का मूवमेंट शुरू हुआ। बताइए तीनों राज्य में किसको? दिल्ली को। लेकिन ये स्टूडेंट गलत मत समझ लें अपने माइंड में कि समझ गए जहां से गुड्स का मूवमेंट शुरू होता है वहां की सरकार को अधिकार है इस सेल टैक्स पर अपने नियम लगाने के। अपने नियम नहीं, नियम तो सेंट्रल सेल टैक्स के लगेंगे, लेकिन सेंट्रल सेल टैक्स के नियम लगने से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसटी वसूलेगी? ना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो हाथ भी नहीं लगाएगी। कौन वसूलेगा? बस लड़ाई झगड़े खत्म करने पड़े। क्योंकि अगर दिल्ली सरकार यह नियम बनाती है अपने सेल टैक्स में कि जहां से गुड्स का मूवमेंट शुरू होता है वो राज्य लेगी, हो सकता है हरियाणा दूसरा नियम लगा दे और हरियाणा कहे हमारे यहां तो यही चलता है जी, हमारा राज है। इसलिए इंटर स्टेट सेल पे कोई भी राज्य सरकार नियम नहीं बना सकती। तो कौन नियम बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नियम का नाम क्या है? सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट। और उस नियम में अधिकार किसको दिया है बताइए? कौन सा राज्य वसूलती है सीएसटी? सीएसटी कैन बी कलेक्टेड, सीएसटी कैन बी लेविड बाई सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट, बट इट इज कलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम विच मूवमेंट ऑफ गुड्स इज स्टार्टेड।
क्लियर है? तो बताइए अब राज्य सरकार के पास क्या रह गया? बताइए यहां पर लोकल सेल टैक्स लगेगा, और यहां पर क्या लगेगा बोलिए? ग्वालियर का एक डाउट आ रहा है, मैं जानता हूं कि ग्वालियर के डाउट को दो मिनट में मेरे सभी स्टूडेंट, इवन ग्वालियर में बैठा है स्टूडेंट, क्लियर कर देगा। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। डाउट तो आएंगे बट उसकी पूर्ति कॉन्फिडेंस से होनी है। अब देखो तुम्हारे डाउट मेरे सभी बच्चे क्लियर करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं, उनको कोई रोक नहीं सकता। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि आपको मैं ज्ञान दे दूं और सभी डाउट आप यूं हल कर लें। मैं आपको कोई नियम नहीं दे रहा, ज्ञान दे रहा हूं। तो बताइए इनके, ये देखिए देखिए, मैंने बोला इससे पहले ही सभी जगह से आ गया कि ले भाई ले, मुंबई 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 आ गया ना सही। देखिए मूवमेंट ऑफ गुड्स देखना है। बताइए अगर एक व्यापारी पंजाब से आता है दिल्ली, दिल्ली कहता है हां जी माल चाहिए, तो दिल्ली कहती है, दिल्ली सरकार, दिल्ली का जो व्यापारी है वो कहता है कि माल मिलेगा, हां तो दो, दूंगा नहीं भिजवा दूंगा। कहां भिजवाना है बताओ? हरियाणा, बताया तो अभी हरियाणा भिजवाना है, मेरा ब्रांच हरियाणा में वहां भिजवाना है। ओके ठीक है, हेलो हां जी, मुंबई ब्रांच, दिल्ली का व्यापारी कह रहा है ओ मेरा ब्रांच जो मुंबई में है वहीं से बोल रहे हो, एक काम करो एक 5 पेटी माल हरियाणा इस एड्रेस पे भेज दो। बताइए गुड्स का मूवमेंट कहां से शुरू हुआ? मुंबई से। तो कौन सरकार इस सेल पर टैक्स लगाएगी पहले बताइए? लोकल सेल टैक्स लगेगा, एक मिनट रुकिए मैं गलत बोल रहा हूं, पहले बताइए लोकल सेल टैक्स लगेगा या सीएसटी? लोकल या सीएसटी? सीएसटी। बताइए सीएसटी कौन पकड़ेगा, कौन वसूलेगा? मुंबई, महाराष्ट्र। वेल डन, बेस्ट आंसर। अभी मैं फिर से चेक करूं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे मित्र सही जवाब दोगे, लेकिन एक मुझे मेरे मन में भी हल्का सा एक डाउट आ गया, संदेह आ गया, तो क्लियर कर ले। अगेन पंजाब के व्यापारी आए दिल्ली में, दिल्ली के व्यापारी से कहा माल चाहिए मिलेगा, कितना? 5 पेटी, करेक्ट। कहां चाहिए? हरियाणा में चाहिए, हरियाणा में मेरा ब्रांच है, ये एड्रेस है, वहीं चाहिए। हरियाणा में ब्रांच है, ओए क्यों भाई, बड़ा कमाल है ना, कभी अपने बताया नहीं। अरे हरियाणा में ही तो अपना भी ब्रांच है। ओ आपका भी ब्रांच हरियाणा में, और क्या, अभी दिलवाता हूं, 1 घंटे के अंदर डिलीवरी, और क्या। हाँ हरियाणा में जो मेरा ब्रांच है, दिल्ली 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 वाला व्यापारी, हरियाणा में जो मेरा ब्रांच है वहां से बोल रहे हो? एक काम करो वहां से एड्रेस भेज रहा हूं, जरा माल भेज देना वहां पे। बताइए लोकल सेल टैक्स या सेंट्रल सेल टैक्स? आप सेंट्रल सेल टैक्स मत बोलिए, आपका जवाब है हरियाणा सरकार वसूलेगी, यह जवाब सही है लेकिन अधूरा। आप डंके की चोट पर कहिए हरियाणा सरकार लोकल सेल टैक्स वसूलेगी। जब गुड्स का मूवमेंट एक राज्य से दूसरे राज्य को हो, देन इट इज इंटर स्टेट सेल। एक राज्य से दूसरे राज्य गुड्स का मूवमेंट हो, व्यापारी कहीं का भी हो, उससे क्या मतलब है? सेल के कारण गुड्स का मूवमेंट एक राज्य से दूसरे राज्य हो तो क्या बनेगा? इंटर स्टेट।
तो बताइए अभी जो प्रश्न था मेरा वो सीएसटी लगेगा या लोकल, लोकल लगेगा, वो इंटर स्टेट है ही नहीं। व्यापारी कहीं कहीं पे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाटली पाटली कर लेंगे, पाटली पाटली कर लेंगे, कोई बात नहीं। पाटली यहां से चला जा रहा है, पाटली वहां से जा रहा है, तो कुछ सीएसटी और कुछ लोकल। अच्छा सुनो, एक और डाउट, एक और डाउट है प्लीज। सरदार जी आए कहां से? पंजाब से। कहां आए? दिल्ली में। देखा ग्वालियर, तेरे डाउट और तू कितना बढ़िया जवाब दे रहा है, है? कहां आए? दिल्ली में। दिल्ली में आगे का 5 पेटी माल चाहिए। हां सरदार जी जरूर मिलेगा, एड्रेस बताइए। एड्रेस को भूल जाइए, ये रहा मेरा हाथ, जल्दी से रख दीजिए इसके ऊपर 5 पेटी माल। सरदार जी आप खुद ले जाओगे? तुम्हें क्या मतलब, पैसे पकड़ो माल दो। ठीक है ये लो माल ले लो। अब सरदार जी ये गुड्स लेकर दिल्ली से मूव कर रहे हैं पंजाब, बताइए क्या ये सेल के कारण गुड्स का मूवमेंट है? नहीं। सेल कब पूरा होता है? जब डिलीवरी हो जाती है। तो सेल तो दिल्ली में ही पूरा हो गया। फिर सरदार जी ये गुड्स लेकर पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं, राजस्थान जाएं, वो तो उनके गुड्स हैं, लेकर जाएं जहां जाना है। तो गुड्स का मूवमेंट इस बार इंटर स्टेट नहीं है, इट इज लोकल सेल टैक्स। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं क्लियर किया, बस इतना कि इंट्रा किसे कहते हैं और इंटर किसे कहते हैं। अच्छी क्लैरिटी मिल गई अभी तक? बढ़िया क्लैरिटी है। अच्छा बताइए वैट क्या है? वैट क्या है? वैट, वैट है लोकल सेल टैक्स। कॉपी मारिए, सेल टैक्स लो अब नहीं बोलेंगे हम, अब क्या बोलेंगे? लोकल सेल टैक्स। यानी अब मैं लोकल सेल टैक्स और वैट को इंटरचेंजेबल यूज करूंगा, कभी मैं बोल दूंगा वैट और कभी बोल दूंगा लोकल सेल टैक्स। आगरा कहता है रिप्लाई करो, हमने पढ़ दो क्या है, फिर से लिख दे, अगर डिलीवरी चंडीगढ़ नहीं हो तो कौन लेगा? जब तक डिलीवरी पूरी नहीं होती तब तक तो बात नहीं बनेगी। आप पूरा पूछिए अलवर, आगरा दोबारा पूछिए। मैं वो तो एमी वो अगर चंडीगढ़ से स्टार्ट हो तो, चंडीगढ़ से स्टार्ट हो तो चंडीगढ़, डिलीवरी कहां हो रही है वो मैटर नहीं करता, डिलीवरी कहां हो रही है मैटर नहीं करता, कहां से मूवमेंट शुरू हो रहा है वो मैटर करता है, ऑलवेज स्टार्टिंग मूवमेंट देखना है। जी 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 बिल्कुल, आगरा स्टेट मतलब राज्य, आगरा पूरा पूछ ले बेटा, तू लिख रहा है स्टेट और क्वेश्चन मार्क। चंडीगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट का है? अच्छा यूनियन टेरिटरी है इसलिए। अच्छा अच्छा नहीं नहीं देखिए चंडीगढ़ के विकास के लिए जो फंड्स तैयार होते हैं वो इसी में यूज होता है। अच्छा ये आपका लॉजिक था क्या? नहीं नहीं मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन बताइए चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जरूर है लेकिन चंडीगढ़ को भी सेल टैक्स की जरूरत पड़ेगी और वहां भी सेल टैक्स वसूला जाएगा। वहीं चंडीगढ़ बताइए, एनी पर्सन जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं बताइए, मैं अभी समझा दूंगा। बताइए चलिए, यूनियन टेरिटरी
के बारे में और भी दो तीन चीजों को डिस्कस कर दूंगा मैं, फिर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, चिंता मत कीजिए। अब मुझे बताइए, यहां तक जो आपने लिखा है वो क्लियर है? यहां तक जो आपने लिखा है वो क्लियर है? अब बताइए वैट क्या है, अगर मैं पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? वैट सेल टैक्स लॉ बोलेंगे या लोकल सेल टैक्स लॉ बोलेंगे? मैं कह तो रहा हूं अंडमान निकोबार भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, और चंडीगढ़ भी क्लियर कर दूंगा, डन। अभी बताइए लोकल सेल टैक्स लॉ बोलेंगे या सेल टैक्स लॉ बोलेंगे? लोकल सेल टैक्स लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकल सेल टैक्स लॉ, ठीक है। अच्छा बताइए लोकल सेल टैक्स लॉ हर राज्य का अलग अलग होगा कि नहीं? लोकल सेल टैक्स लॉ हर राज्य का अलग अलग होगा, उनके अपने कानून अलग होंगे। तो आपके कोर्स में क्या पढ़ना है अब सोचो। अगर मैं कहता आपके कोर्स में सीएसटी पढ़ना है तब तो बात समझ आ जाती कि सीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और पूरे देश में यूनिवर्सल अप्लाई होता है, पूरे देश में एक समान रूप से अप्लाई होता है, देन सीएसटी विल बी इन योर सिलेबस, इट इज ओके। बट वैट आपके सिलेबस में कैसे हो सकता है? यही डाउट स्टूडेंट्स नहीं लेते और पढ़ना शुरू कर देते हैं और पूरे चैप्टर में परेशान होते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे, आईपीसीसी में तो मुझसे मिले ही नहीं, वो आईपीसीसी में तो खुद ही जैसे जैसे भी पढ़ लिया, फाइनल में मिलते हैं और कभी बातचीत होती है तो वो कहते हैं सर एक बात नहीं समझ आती, वैट हमारे कोर्स में क्यों है? तो मैं कहता हूं मैं समझ गया, तूने कभी पूछा ही नहीं होगा टीचर से, तेरा दिमाग ही नहीं चला होगा कि वैट अगर लोकल सेल टैक्स है तो लोकल सेल टैक्स हमारे 29 राज्यों में अलग अलग है, आपके सिलेबस में कौन से राज्य का नियम पढ़ना है? हमारे नहीं नहीं सीएसटी पढ़ना है वो तो अलग हो गया, वैट पढ़ना है ना, वैट एंड वैट इज नॉट सीएसटी, वैट और सीएसटी दोनों विपरीत हैं। अभी तो देखा तुमने इंटर स्टेट में सीएसटी और इंट्रा स्टेट में वैट, तो फिर वैट हमारे कोर्स में क्यों है भाई? दरअसल अब शुरू करता हूं, वैट को पढ़ाना अब शुरू कर रहा हूं, सुनो। दरअसल क्या हुआ कि आजादी के बाद और 2007 तक, 7 भी नहीं बोले, 7 के बाद तो बहुत अच्छे से आ गया उसमें, 2005 बोल दे, तो आजादी के बाद लड़ाई झगड़े हर राज्य का एक अपना कानून होता था, आज भी है। अब बातचीत मत करना बीच में, बातचीत मत करना, नहीं नहीं दिल्ली का नहीं पढ़ना, चुप हो जा। हर राज्य का अपना अपना कानून होता था सेल टैक्स का, और सभी राज्य अपने कानून से परेशान थी, अपने कानून से। कुछ राज्यों में गुड्स महंगे हो रहे थे उस कानून के वजह से, और कुछ राज्य में गुड्स सस्ते थे लेकिन वहां टैक्स की चोरी हो रही थी। कैसे? चोरी स्मगलिंग बड़ा आम था। बताइए एक ही गुड्स दो राज्यों में अलग अलग रेट पर मिल सकता है कि नहीं? हर राज्य के अलग नियम है, हो सकता है एक राज्य कहता है कि ये वाला जो गुड्स है, एक राज्य कहता है कि ये जो गुड्स है इस पर हम सेल टैक्स नहीं लेंगे, दूसरा राज्य कहता है इस गुड्स पर हम 10% सेल टैक्स लेंगे। तो जिस राज्य में सेल टैक्स नहीं लिया जा रहा वहां ये गुड्स सस्ता है, वहां सस्ता है, यहां से स्मगलिंग शुरू हो गई। स्मगलिंग, छुपा के दूसरे राज्य ले जाना, दिखा के ले जाएंगे तो सीएसटी लग जाएगा, छुपा के दूसरे राज्य ले जाना स्मगलिंग हो गई। अगर दोनों राज्य में अगर सेम सेल टैक्स होता तो स्मगलिंग रुक जाती, तो तस्करी जो होती थी हमारे देश में वो अब कम हो गई है। उसका एक कारण ये भी है वैट का आना, वैट। अच्छा पहले मैं बताऊं परेशानी क्या थी, पहले परेशानी क्या थी इसको समझने के लिए यहां देखिएगा, ओल्ड सेल्स लोकल सेल टैक्स की बात हो रही है,
नोट कर सकते हैं आप, एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बनाता है, गुड्स बनाने में उसकी टोटल कॉस्ट 1000 रुपया है। वो कहता है मैं 20% प्रॉफिट जोड़ूंगा। जोड़ ले भाई, 1200। अब ये माल बेचना चाहता है, बताइए जब बेचेगा तो सीएसटी सेल्स टैक्स लग जाएगा, लोकल लोकल की बात कर रहा हूं मैं, सेल टैक्स लग जाएगा। एक अजम्पशन में हम 5% सेल टैक्स लेकर चलते हैं, 5%, 5% यानी 60 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1260। किसी को डाउट है इस पे? नोट करिए, इसको खरीदने वाला कौन था? इसको खरीदने वाला था डब्लू, होलसेलर। बताइए होलसेलर की कॉस्ट कितना हुई? होलसेलर की कॉस्ट क्या लेंगे? आप ही होलसेलर हो, आप हमेशा अपने आप को मानकर चलो, आपकी कॉस्ट हो जाएगी 1260। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, खर्चा किया भाई, फ्री में थोड़ा ले रहे हैं। अब ये अपना प्रॉफिट जोड़ता है, कहता है कि मैं 10% मार्जिन रखूंगा, 126, 1386। ये माल बेचना चाहता है तो इसको सेल टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा 5%। 5% कितना हुआ दोस्तों? 69। ये है इसकी सेलिंग प्राइस। ये दिल्ली में सारा काम हो रहा है, तो दिल्ली सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार पहले एम से कह रही है, ओ भाई सेल टैक्स कलेक्ट कर लिया, देंगे कौन तुम्हारे पिताजी? नहीं सर, आ रहे हैं देने, चल जल्दी ला इधर दे। ओके ओके ओके, ओ भाई सेल टैक्स कलेक्ट कर लिया, देगा कौन? आपके ससुर जी देंगे? नहीं सर, हम दे रहे हैं, जल्दी दे। अब ये कहां चला गया? ये चला गया मिस्टर आर को। आर इज रिटेलर, आराम से नोट कीजिए, आर इज रिटेलर। रिटेलर हो आप तो अपनी कॉस्ट कितनी दिखाओगे बोलो? आप कहते हो 10% मैं भी जोड़ूंगा प्रॉफिट, आप कहते हो कि प्रॉफिट 10% तो मैं भी जोड़ूंगा। और अब अल्टीमेटली आप सेल टैक्स जोड़ के किसको दे देते हो? ग्राहक को। 80 रुपए का सेल टैक्स ग्राहक पर चार्ज होता है और ग्राहक ले जाता है 1681 रुपए। कंज्यूमर जो हमेशा मरता रहता है। अब कंज्यूमर घर लेकर कितने रुपए का पैसा गया? अपनी वाइफ को क्या कहता है? देखिए लगभग 1700 का माल खरीद के लाए हैं। और सरकार फिर हड़काएगी किसको? क्योंकि भाई मिस्टर आर सेल टैक्स नहीं देगा क्या? जी सर दे रहे हैं, दे रहे हैं सर, दे रहे हैं, आप ना चिंता मत कीजिए, ये लीजिए। सेल टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? यू नेवर नो एंड यू नेवर आस्क द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन एंड यू नेवर नो नेवर गेट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स मींस द टैक्स विच इज अल्टीमेटली बियर्ड बाई कंज्यूमर. कंज्यूमर जो बियर करता है दरअसल वही इनडायरेक्ट टैक्स है. ठीक है जी. कंज्यूमर किसी एक्ट का नहीं होता. कंज्यूमर तो वही होता है जो मरता रहता बेचारा. कंज्यूमर किसे कहते हैं बताइए. मैं एक व्यापारी हूं तो मैं जो माल खरीदूंगा, मैंने 5 पंखे खरीदे, मैं पंखा बेचने वाला व्यापारी हूं, मैंने 5 पंखे खरीदे, बताइए क्या ये 5 पंखे मैंने कंज्यूमर के हैसियत से खरीदे या बेचने के लिए खरीदे? बताइए, बेचने के लिए खरीदे. क्या मैं कंज्यूमर हूं? आई एम द, देन यू आर व्हाट सर? आई एम द डीलर. DEALER, डीलर. आई एम द डीलर, नॉट कंज्यूमर. तो दो शब्द मैंने आपको बताए, क्या वर्ड यूज किया मैंने? डीलर. डीलर और कंज्यूमर. चलिए बताइए, मैं मोबाइल बेचने वाली कंपनी हूं, मैं एक दुकान चलाता हूं मोबाइल बेचने का, मैंने 2 पंखे खरीदे अपने दुकान में लगाने के लिए, बताइए इस पंखे को खरीदते वक्त मैं कंज्यूमर हूं या डीलर हूं? मैं कंज्यूमर हूं. वेल डन, वेल डन, वेल डन. तो आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं, यह बेस आपको फाइनल में पे करेगा. जब आप सीए फाइनल में जाएंगे तो जैसे मैंने इनकम टैक्स का बेस तैयार किया था आपका, तो वो डायरेक्ट टैक्स के पढ़ने में काम आएगा, वैसे ये बेस तैयार है. बच्चों, बेस को सही तरीके से तैयार करना जरूरी है. इसीलिए मैं क्लास में कोर्स को थोड़ा सा स्लो करता हूं. फाइनल में क्लास स्लो नहीं होता, क्योंकि बच्चों का बेस तैयार होता है. बेस अगर ढंग से तैयार नहीं हुआ तो फाइनल आपका हमेशा डरावना रहेगा. इसलिए भविष्य को देखते हुए आपके बेस को मैं अभी तैयार करता हूं. एक एक शब्द की क्लैरिटी, जैसे आपने देखा कंज्यूमर और डीलर क्या है. ठीक है, मे बी आई एम कंज्यूमर इन वन पार्ट एंड मे बी आई एम डीलर इन अनदर पार्ट. मैं कंज्यूमर भी हो सकता हूं, डीलर भी हो सकता हूं, दोनों हो सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. फिलहाल बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स कौन बियर करता है, भुगतता कौन है? कंज्यूमर. जो कंज्यूमर भुगते वो है इनडायरेक्ट टैक्स. बताइए, इस पूरे दृश्य में कंज्यूमर ने सेल टैक्स के नाम पर क्या दिया? सेल टैक्स के नाम पर क्या दिया? दोबारा सुनिए मेरे शब्द को, अपने मन की बात मत बोलिए, मेरे शब्द की बात बोलिए. सेल टैक्स के नाम पर कंज्यूमर ने क्या दिया? 80 रुपया मात्र. देन 80 रुपीज शुड बी इनडायरेक्ट टैक्स. एंड सरकार के मजे देखिए जरा, 209 रुपए. वाह जी सरकार. जब पहली बार यह घटना सामने आई तो किसी ने सरकार को नॉक किया, हेलो हेलो क्या बात सर, ये क्या हो रहा है? क्यों सर, ये तो गलती से आप मजे ले रहे हो. क्यों? आपने 60 रुपए खाए, आपने 60 रुपए खाए, 69 रुपए खाए, 80 रुपए खाए, जबकि कंज्यूमर तो भुगत रहा है 80 रुपए सेल टैक्स. देखिए, भुगत तो वो 1681 रहा है, नो डाउट, बट सेल टैक्स के नाम पर क्या वसूल रहा है? सेल टैक्स के नाम से जो उसने दिया वो तो 80 है. और आपके घर तो कमाल हो रहा है सर. अरे हाँ यार, ये तो गलत हो गया, हल्ला कर दूं, राज्य सरकार गिर जाएगी. चुप हो जा यार, ये तो गलत हो गया. तभी मैं कहूं हमारे राज्य में महंगाई क्यों हो रही है, ये तो बहुत गलत है, ये तो गलत हो गया.
अच्छा चलो अपने सेल टैक्स लॉ को बदलते हैं, और ऐसे सरकार ने अपने सेल टैक्स के नियम बदल दिए। नियम क्या लिखा सुनना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। नियम लिखा, जो व्यक्ति ये साबित कर दे कि उसने जिसको बेचा है वो कंज्यूमर नहीं है, जो व्यक्ति ये साबित कर दे कि उसने जिसको बेचा है वो कंज्यूमर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से हम सेल टैक्स नहीं लेंगे। बन गया नियम, बन गया नियम। अब देखिए शांत होकर सारी बातें सुनिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा बाद में। मिस्टर एम ने 1200 में माल बेच दिया, सरकार ने कहा भाई सेल टैक्स नहीं देगा। सर आपने कहा था ना सेल टैक्स मत लेना अगर तेरा कंज्यूमर नहीं है वो। सर ये जो डब्ल्यू है ना ये तो खुद व्यापारी है, कंज्यूमर नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ओके 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 ओके। हां डब्ल्यू तू तो व्यापारी है। जी सर। और तू बेचेगा तो तेरे से सेल टैक्स। नहीं सर मैंने आर को बेचा है, रिटेलर, वो व्यापारी है कंज्यूमर नहीं है, इसलिए उसे मैं सेल टैक्स जोड़ के नहीं बेचूंगा। ठीक 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 हाँ जी आर तू। सर मैंने भी जिसे बेचा है ना वो अगेन रिटेलर है, लेकिन वो तो कस्टमर है। नहीं सर वो तो अभी हम काटेंगे ना, वहां लिखेंगे रिटेलर। और कैसे साबित करेगा रिटेलर? सर उसका एक डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, फोटोकॉपी जाली नकली, और वो आपको दे देंगे। एम आपको दिखेगा, डब्ल्यू आपको दिखेगा, आर आपको दिखेगा, लेकिन जो अब गया ना माल जिसके पास वो गायब हो जाएगा सर। अरे चोरी? जी सर। पकड़ोगे कैसे? पता नहीं। और ऐसे देश में क्या, ऐसे राज्य में क्या होने लगा? चोरी। सारे लोग क्या कहते थे? हमसे मतलब सेल टैक्स, हमारे जो ग्राहक है वो कंज्यूमर नहीं है, वो तो डीलर है। सबूत चाहिए। सबके फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दिए। यार ये तो गलत डॉक्यूमेंट है, वो तो सर आप जानो ना, जिसने दिया है उसको पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे तो वो डॉक्यूमेंट देता है और सेल करता है। बताइए मैं जब काउंटर पे बैठ के बेचूंगा माल तो मैं क्या हर एक आदमी के घर जाकर देखूं कि वो क्या कर रहा है, क्या वो डीलर सच में है या झूठ में है? भाई उसने तो डीलर का अपना सर्टिफिकेट दिया, मैंने मान लिया डीलर, उससे सेल टैक्स मैंने नहीं लिया। बताइए ये कोई बात थोड़ा हुई? चोरी होने लगी टैक्स की। अच्छा फिर सरकार ने सख्त नियम बनाए और कहा कि जो डीलर ये कहता है कि वो डीलर है उसके सबूत अगर गलत पकड़े गए तो तुम भी पिटोगे। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करेंगे वो देखिए। देखिएगा मिस्टर एम, ये देखिए एक हेड ऑफिस और एक सब्सिडरी कंपनी, इसने माल बनाया, कॉस्ट आई, लागत आई 1000। इसने अपनी 1000 की लागत को प्रॉफिट पर ना बेचकर घाटे में बेच दिया 100 रुपए में। ठीक है, नहीं इसको हम मोटा मोटा बिकवाते हैं, ऐसा कर देते हैं, इसको 2000 रुपए के प्रॉफिट में बेच दिया। कितने में? 3000 में, और प्लस सेल टैक्स, नो सेल टैक्स, बिकॉज कंपनी इज नॉट अ कंज्यूमर, इट इज डीलर। माल चला गया 3000 का। अब 3000 का माल ये बंदा 100 रुपए में बेच रहा है, 100 रुपए तो खैर नहीं, चलो जो 100 रुपए, क्या कितने में बेचना था जी? 1200 में, 1200-1300 में, या कुछ भी करे के वो 100 रुपए में बेच रहा है। अब बताइए 100 रुपए में बेच रहा है तो इसका लॉस हो गया, इसका लॉस हो गया। बताइए जो इसका लॉस हो गया वो इसका प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी, इसका लॉस इसका प्रॉफिट, और अकॉर्डिंगली वो सेल टैक्स चोरी कर गए। लेने वाला कौन था? वो खुद ही एक सब्सिडरी कंपनी थी जो इसकी कंपनी थी। अब इस कंपनी को सस्ते में माल बिचा मिला, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट किसको चला गया? एच लिमिटेड को चला गया। और एच लिमिटेड का ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए, होल्डिंग सब्सिडरी आप जानते होंगे, ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो एच लिमिटेड के पास पहुंच गया, लेकिन सेल टैक्स चोरी कर गए। अच्छा ये तो पुरानी बात हुई। उसके बाद कुछ राज्यों में क्या नियम बना?
कुछ राज्यों में क्या नियम बना कि हम क्या करेंगे, झंझट नहीं लेंगे, हम फर्स्ट पॉइंट पे सेल टैक्स लगा देंगे। मतलब ये व्यक्ति सेल टैक्स दे दे तो आगे हमें कोई किसी से नहीं लेना, कंज्यूमर से नहीं, मतलब है पहला जो सेल कर रहा है हम उसको पकड़ लेंगे। फिर लोगों ने क्या किया होगा बताओ, जो पहले सेल कर रहा है वो ₹5 में सेल कर देगा, किसको, अपने सब्सिडियरी कंपनी को, और सेल टैक्स ₹5 पर दे देगा, और सब्सिडियरी कंपनी महंगे में सेल कर देगी और उसका प्रॉफिट अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा, और सब्सिडियरी जब बेचेगी तो वो तो सेल टैक्स देगी नहीं क्योंकि आप सेल टैक्स ऑलरेडी ले चुके हो। कुल मिला के सभी राज्य पीड़ित थे। जो राज्य सभी स्टेज पे टैक्स लेता था वहां के गुड्स महंगे थे, वहां पर बिजनेसमैन की संख्या कम होने लगी, लोग उस राज्य को छोड़कर भागने लगे, कोई भी बिजनेसमैन वहां टिकता नहीं था क्योंकि माल महंगा बिकेगा, लोग लेंगे नहीं तो घाटे में जाएंगे हम लोग। और जहां पर सरकार लिबरल होती थी कि चल तू सेल टैक्स दे दे तो अगले से नहीं लेंगे, या तू मत दे अगले से ले लेंगे, तू मत दे अगले से ले लेंगे, वो भाग जाता था, तू दे दे अगले से नहीं लेंगे, सस्ते में बेच देते थे। कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ टैक्स की चोरी और रेवेन्यू का नुकसान था। ये था हमारा पुराना लॉ, ओल्ड सेल टैक्स लॉ। अब नहीं है, इसीलिए इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी लोकल सेल टैक्स लॉ को काटकर सरकार ने कहा वैट, सरकार ने कहा वैट, क्या कहा राज्य सरकार ने कहा वैट, आपको शायद याद हो, आप उस समय 8th 9th में होंगे, स्कूल में होंगे, जब वैट को इंपोज करने के लिए बहुत झगड़े होते थे, कई राज्यों ने धरना दे दिया था, प्रदर्शन कर दिया था, क्योंकि राज्यों को समझ नहीं आ रही थी एक बात, क्या 2005 में, ठीक कह रहे, राज्यों को एक बात नहीं समझ आ रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नियम बनाए, लोकल सेल टैक्स है। अब जरा ऊपर की छवि देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, तो जो सेंट्रल सेल टैक्स है वो राज्य सरकार बनाए नियम, लोकल तो हम बनाएंगे, राज्य सरकार कैसे बनाएगी, केंद्र सरकार कैसे बनाएगी, लोकल तो राज्य सरकार बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं बना सकती। वैट को सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई तो अब झगड़े हो गए, उन्होंने कहा यह तो गलत बात है भाई, आप कैसे बना सकते हो, आप वैट नहीं बना सकते, आप कैसे वैट के नियम बना सकते हो। तब सरकार ने सभी 29 राज्यों को कन्विंस किया, 29 राज्यों को कांग्रेस कन्विंस कर रही है, कांग्रेस लेकर आई थी वैट, और 29 सरकार को कांग्रेस कन्विंस कर रही है, जिसमें कई राज्यों में दूसरे सरकार है, कहीं सपा है, कहीं बसपा है, कहीं बीजेपी है, कहीं जनता दल है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्य सरकार थे, इसलिए वैट में इतने झगड़े हुए। भाई मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं और आप मेरे विपक्ष के दल के हो, आप कन्विंस होंगे ही नहीं, चाहे मैं कितना भी सच बोलूं, कितना भी सही बोलूं, आप कन्विंस नहीं हो सकते। यही हुआ था 2005 के दशक में कि दूसरे राज्य कन्विंस नहीं हो रहे थे, सरकार कह रही थी कि आप मेरी बात सुनिए। सरकार ने किया क्या था, सबसे पहले बताता हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, इस समस्या को देखा, यह समस्या आपको दिख रहा है ना, यह समस्या तो है, समस्या तो है, इस समस्या को देखा, और समस्या को देखकर 29 राज्यों के, आपके पास भी समस्या है, ऑडियो प्रॉब्लम, अभी दूर करवाते हैं, रुकिए, ऑडियो प्रॉब्लम है, दूर करिए, अब ठीक है,
ठीक है। सरकार ने 29 राज्यों, कोई बात नहीं हम एडजस्ट कर रहे हैं, अच्छा थैंक यू, 29 राज्यों के सभी राज्य में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई वहां के फाइनेंस का बंदा जो किस राज्य मतलब गवर्नमेंट का पार्ट है उनको बुलाया। उनको बुलाने के बाद एक कमिटी बनाई, ये बात है 1995 से 1999 के बीच, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें 29 राज्यों के पैनल थे, सब कोई था। अच्छा, इस कमेटी से कहा गया कि आप रेकमेंड करें कि हमारे देश में जो ये सभी राज्यों में बकवास हो रहा है इसको कैसे बचाया जाए। इस कमेटी ने रेकमेंड किया, क्या किया कमिटी ने, क्या किया रेकमेंड किया, क्या रेकमेंड किया, व्हाइट पेपर। एक डॉक्यूमेंट था, हां जी एक डॉक्यूमेंट था, मोटा डॉक्यूमेंट लगभग 50-100 पेजों का, उसको उस डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम लिखा हुआ था व्हाइट पेपर, और यह डॉक्यूमेंट सुपुर्द कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। व्हाइट पेपर को जब खोला गया तो उसमें हमारे सभी राज्यों में जो समस्याएं थी उसका विवरण था, समस्याओं के समाधान के लिए उपाय थे, उपाय के जगह पर लिखा था वैट। वैट का पूरा नाम है, अब पूरा नाम ले रहे हैं हम लोग, क्या पूरा नाम है, वैल्यू एडेड टैक्स, पूरा नाम क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। और व्हाइट पेपर ने कहा कि आप वैल्यू एडेड टैक्स, आप वैल्यू एडेड टैक्स के सिस्टम को, वैट इज नॉट सेल टैक्स, वैट इज अ सिस्टम, आप वैल्यू एडेड टैक्स के सिस्टम को जिस प्रकार से एक्साइज में लगाते हो, जिस प्रकार से सर्विस टैक्स में लगाते हो, यानी वैट एक सिस्टम है जो कि सेल टैक्स में लगने से पहले हमारे देश में कस्ट एक्साइज और सर्विस टैक्स में ऑलरेडी लगता था। जी हां, कस्ट एक्साइज और सर्विस टैक्स वैट के सिस्टम से चलता है, वैट एक सिस्टम है, एक कंसेप्ट है, ना कि सेल टैक्स है। तो वैट का सिस्टम सेल टैक्स में लगाया जाए, यह रेकमेंड किया था व्हाइट पेपर ने, और रेकमेंड में यह भी था कि इस वैट का सिस्टम सभी राज्यों को कैसे एडॉप्ट करना है, एडॉप्ट कैसे किया जाए, पालन कैसे किया जाए, लागू कैसे किया जाए, क्या क्या समस्या आएंगी, उसका समाधान क्या होगा। और सभी राज्यों को कहा गया कि आप स्वतंत्र हैं अपने कानून को बनाने के लिए, लेकिन कानून जो भी आप बनाएंगे वो वैट सिस्टम के अंदर बनेगा, सेल टैक्स के कानून तो आज भी राज्य सरकार बना रही है, और हर राज्य सरकार के नियम अपने हो सकते हैं, लेकिन सभी नियम को एक सिस्टम से जोड़ा गया जिसका नाम था वैट। दरअसल इतना फेमस हुआ लड़ाई झगड़े के कारण कि लोग भूल ही गए, लोकल सेल टैक्स को कहना शुरू कर दिया क्या, वैट वैट वैट। वो वैट भी लगेगा भाई, वो वैट नहीं लगाया इसमें तूने, जरा पर्चा निकाल, दवाई लेकर आया, पर्चा निकाल के, अरे वैट भी तो लगा इसमें, ओहो डीओ खरीदा है तूने, देख उसमें वैट भी तो लगा हुआ है। वैट वर्ड यूज होना शुरू हो गया और फेमस हो गया, इसलिए आज आप पढ़ने से पहले ही ये मन में बैठा चुके थे कि हम लोग सेल टैक्स पढ़ेंगे, जबकि आपको सेल टैक्स में पढ़ा ही नहीं रहा, सेल टैक्स कैसे पढ़ा सकता हूं, हम क्या पढ़ते हैं, वैट सिस्टम जो हमारे देश के सभी राज्य के लोकल सेल टैक्स में लागू होगा।
और सारा सेल टैक्स, लोकल सेल टैक्स वैट के सिस्टम के अंदर पनपेगा, डेवलप होगा। समझे वैट क्या है? तो आपका जवाब मिला कि क्यों हमें वैट अपने सिलेबस में पढ़ना है, बिकॉज हमारे सिलेबस में यह चीज पढ़ना है, ये पढ़ना है हमारे सिलेबस में, व्हाइट पेपर। और व्हाइट पेपर क्या है? जिसने वैट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। वैट सिस्टम सभी राज्यों में कैसे लगाए जाए, क्या समस्या आएगी, डेवलपमेंट क्या है, कैसे कैसे अडॉप्शन होगा, ये सारे नियम कानून कहां लिखे हैं? व्हाइट पेपर में। तो आपके कोर्स में क्या है? दिल्ली वैट, हरियाणा वैट, राजस्थान वैट, पंजाब वैट, क्या है? वैट सिस्टम विच इज रेकमेंडेड, विच इज रेकमेंडेड बाई व्हाइट पेपर। डन, नो डाउट सर। वैट के डालने से कैसे वो ठीक हो जाएगा ये तो बताओ। बताते हैं जी, वैट के डालने से कैसे ठीक हो जाएगा बताते हैं, अभी बताते हैं। देखिए, सरकार ने इससे कहा भाई 60 रुपए दे दे, फिर से ले रहे हो 60 रुपए, ये क्या बात हुई? तू दे तो चुपचाप, देखो आप ना 80 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। अरे तू दे तो 60 रुपए। अच्छा लो जी 60 रुपए दे दिया, अब बोलिए, अब कुछ नहीं, तू जा, अब तू जा, तू निकल। मिस्टर डब्ल्यू, यस सर, आपकी कॉस्ट कितनी है? सर 1260। नो, आपकी कॉस्ट 1200 है। सर प्लीज 60 रुपए दिए मैंने, ऐसे कैसे कॉस्ट नहीं मानूंगा। मेरी बात तो सुन, तेरे 60 रुपए मेरे पास जमानत के तौर पे पड़े हैं, उधार समझ ले, तुझे वापस करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज अपनी कॉस्ट ना 1260 मत मान। सर हमने 1260 का चेक दिया है। वो कुछ भी दिया हो, 60 रुपए मैंने कहा ना तुझे लौटा दूंगा मैं, आई एम गवर्नमेंट, मैं बोल रहा हूं लौटा दूंगा। तू अपनी कॉस्ट सिर्फ 1200 मान, जब तुझे 60 रुपए वापस कर दूंगा तो कॉस्ट में क्यों जोड़ रहा है तू? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, झूठ मत बोलिएगा। अरे नहीं, अब जरा अपना प्रॉफिट कम कर बताइए, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा कि नहीं? प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाने पर क्या आ गया? अब बताइए 5% जब आप इसमें जोड़ेंगे वैट तो कितना आएगा? डन। अब डब्ल्यू निकला, डब्ल्यू निकला गड्डी लेके 66 रुपए को रख के सरकार के दरवाजे पर, 66 रुपए का क्या लेकर आया? सेल टैक्स। सर ये 66 रुपए का सेल टैक्स, और वैसे आप ना कुछ बोल रहे थे पहले, वो याद है? नहीं याद है, बस सब याद है। 66 रुपए का सेल टैक्स लाया है तू, 60 रुपए अपने रख ले वापस, हो गए तेरे वापस, 6 रुपए दे दे बस। ओ सच सर, सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं, कोई सपना नहीं है, 60 तेरे रखे थे ना, रख ले वापस, चल। तो बताइए डब्ल्यू क्या देगा? 66 घटा में 60, अच्छा फिर आर को पकड़ा सरकार ने, ओ भाई आर तू तो सब सुन रहा है ना? जी सर मैं सुन रहा हूं, मैं समझ गया सर। क्या समझ गया बोल? सर मैं अपनी कॉस्ट ना 1320 लिखूंगा। समझदार है। और क्या कहेगा? मैं कहूंगा कि 66 रुपए आप पर उधार है, हम ले लेंगे वापस। हाँ अपने 66 रुपए ले लियो, जा तू अपनी कॉस्ट 1320 दिखा और तेरा 66 रुपए हम दे देंगे तुझे। बताइए जब कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट भी कम हो गया कि नहीं? अब इस पर 5% निकलेगा क्या? 73 रुपए मोटा मोटा। अब बताइए 73 रुपए वो लेकर जाएगा तो 73 देगा, कितना देगा? 7 रुपए।
₹7 देगा, बताइए ग्राहक को 1525 का सामान पड़ा, ओल्ड सिस्टम में कितने का सामान पड़ रहा था, 1700 का लगभग, और अब पड़ रहा है 1500 का लगभग। अगर आप देखें तो 1686 माइनस 1500, ठीक है, लगभग 10% का इन्फ्लेशन नीचे आ गया। लगभग 10% की महंगाई कम हो गई। तो वैट महंगा है कि सस्ता है? वैट के लगने से गुड्स महंगे हो जाएंगे सस्ते हो जाएंगे? बोलिए बोलिए, वैट के लगने से गुड्स सस्ते हो जाएंगे। बताइए वैट के लगने से चोरी रुकेगी कैसे? अब डब्लू साहब का ₹60 पहले ही जमा है। अब अगर बच्चू तूने सेल टैक्स मारी तो तेरे 60 गए। तेरे 60 कब लौटा रहा हूं? जब तू देने आ रहा है 66। तो तू अगर चोरी करेगा सेल टैक्स की तो तेरे 60 पहले से मेरे पे। अब चोरी करके दिखा। तो टैक्स की चोरी रुक गई और वैट में बड़े अच्छे अच्छे सिस्टम में लॉ बने, वैट के प्रोविजन बने, व्हाइट पेपर ने रेकमेंड किया था, जिसके कारण हमारे देश में सेल टैक्स के नाम पर अब सुधार आ गया। तो मोटे मोटे तौर पर आपने क्या क्या देखा? तीन चीजें। एक, सेल टैक्स से हमारे गुड्स सस्ते हो जाते हैं वैट से। दूसरा, वैट इंट्रोड्यूस होने से हमारा टैक्स चोरी रुक जाता है। तीसरा ब्रेक, चुप हो जा। बदमाश बच्चे हैं। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी आई। ट्रांसपेरेंसी कैसी? बताइए हर डीलर, अब मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, डीलर, हर डीलर अपने इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की डिटेल रखेगा। लो सर ये क्या बोल दिया आपने, हमने समझा ही नहीं। तो दिमाग लगाओ, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, व्हाट इज इनपुट टैक्स, व्हाट इज आउटपुट टैक्स, मैं क्यों पढ़ाऊं, तुम खुद बताओ मिस्टर डब्ल्यू का इनपुट टैक्स क्या है? मिस्टर डब्ल्यू का इनपुट टैक्स क्या है? 60। आउटपुट टैक्स क्या है? 66। ऐसे मजा आता है ज्ञान। मैंने ना इनपुट टैक्स की परिभाषा बताई ना आउटपुट टैक्स की, क्यों बताऊं? बताइए इनपुट टैक्स का डब्ल्यू को क्रेडिट मिल गया कि नहीं? बताइए इनपुट टैक्स का डब्ल्यू को क्रेडिट मिल गया? जरा इसी को बोलिए तो क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल गया। बताइए इस क्रेडिट प्राप्त करने के पद्धति को क्या कहते हैं? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मेथड। सर लेकिन अभी भी ना एक कंफ्यूजन है। क्या सर? कंफ्यूजन यह है कि वैट का नाम वैट क्यों है? बताता हूं। ये रहे डब्ल्यू साहब जिन्होंने इनपुट टैक्स ₹60 पे किया और अपनी कॉस्ट 1300 दिखा रहे हैं, उसमें अपना लाभ 1300 था, कितना था, 1200, अच्छा 1200 दिखा रहे हैं, उसमें अपना लाभ 120 जोड़ा, 1320, उस पे 5% क्या लिया, ये आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना हुआ, आउटपुट टैक्स सर ₹66 हुआ, और कुछ गलत तो नहीं लिखना मैं, ठीक है ना, और ये इनकी सेल प्राइस हो गई। बताइए डब्ल्यू द्वारा वैट पेबल कितना है? बताइए डब्ल्यू द्वारा वैट पेबल कितना है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट
बराबर 6 रुपए वैट पेबल। मैन्युफैक्चरिंग को भी है, मैं बताऊंगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग को भी फायदा हुआ। असल में देखिए, मैन्युफैक्चरर भी कहीं ना कहीं से खरीद के लाएगा रॉ मटेरियल, उस पर वैट देगा। तो सर उसके पहले आपने आदमी क्यों नहीं बनाया, फिर तो बन ही नहीं पाता, फिर वो भी कहीं से ले रहा है, फिर वो भी ले रहा है, तो कहां तक जाता। मैन्युफैक्चरर को मैं सेपरेटली डील करूंगा, आप चिंता मत करो। अच्छा बताइए, मिस्टर डब्ल्यू 5% ऑफ वैल्यू एडिशन, डब्ल्यू ने इस गुड्स की वैल्यू कितनी बढ़ाई? अगर आप इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो भी 6 रुपए आ रहा है कि नहीं? यही है वैट। वैल्यू जो ऐड किया पर टैक्स इज वैट। अब जरा देखिए, इसी को यहां लगाइए, आर पर लगाइए, आर पर, आर ने कितना वैल्यू ऐड किया? 132 पर लगाओ 5%, आ गया ना 6 रुपए 60 पैसे, 7 रुपए। यानी अपना अपना वैल्यू एडिशन पे टैक्स दो, लेकिन इनकम टैक्स नहीं, वैट। वैल्यू एडिशन इज नॉट ओनली प्रॉफिट बल्कि खर्चा ऑल्सो। अगर मैं कुछ खर्चा भी अपना करता हूं वो भी जोड़ूंगा, तो यहां पर सिर्फ आपको बेसिक फंडा क्लियर करने के लिए मैंने वैल्यू एडिशन में सिर्फ लाभ को दिखाया, खर्चे को नहीं दिखाया। वो कितना ब्रेक मांग रहा है भाई। कुलदीप को बोलिए, बोला हाँ जी, ये वर्ड फेमस हो गया वैट, इसलिए सेल टैक्स वैट एक साथ बोलने लगे, तभी तो हम कहते हैं दिल्ली वैट, हरियाणा वैट, ठीक है। ब्रेक अगर दिया तो गाने चलाऊंगा, सुन लो। और आज तो मैं कुंदन लाल सहगल के गाने चलाऊंगा, जानते हो कुंदन लाल सहगल को? कुंदन लाल सहगल के गाने चलाऊंगा। चाहिए ब्रेक तुझे? केएल सहगल। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। चलिए, एक प्रॉपर हमने कंसेप्ट क्लियर किया वैट क्या है और कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे। इट विल टेक 3 क्लासेस, टुडे, नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी आज मंगलवार, गुरुवार और अगले मंगलवार तक हमारा वैट खत्म हो जाएगा।
क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। आप बताइए, अभी एक क्वेश्चन आया मुरादाबाद से कि वैट में कोई 14-15 में अमेंडमेंट्स है क्या? बताइए वैट में कोई अमेंडमेंट्स पॉसिबल है? वैट क्या है? सिस्टम जिसको हम सेल टैक्स में लगाते हैं, वैट में कैसे अमेंडमेंट हो जाएगा? सेल टैक्स में हर साल अमेंडमेंट होगा, लेकिन वैट में तो नहीं पॉसिबल है। बात समझे? वैट में वैट लॉ है ही नहीं, वो एक सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। आइए, सबसे पहले हमने पढ़ा वैट क्या है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वैट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेथड टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, वैट अंडर वैट सिस्टम। क्लास के बाद मैं फ्री हूं, जिन जिन को सेट ऑफ और क्लबिंग नहीं मिला मुझसे बात कीजिएगा फोन पे। क्लास के तुरंत बाद मैं फ्री हूं, वहीं रुककर बात करिएगा, कोऑर्डिनेटर से बात कराइएगा। व्हाइट पेपर के बारे में कुछ लिखवा देना। हाँ जी, हाँ जी, जरूर, बुक में है, मैं उसको रीड करवाऊंगा। अभी पहले यहां लिखे मेथड टू कैलकुलेट सेल टैक्स यानी वैट अंडर वैट सिस्टम। हाँ जी, हाँ जी, लिखवा देंगे। हाँ जी, ओल्ड सेल टैक्स में फर्स्ट स्टेज या लास्ट स्टेज पे सेल टैक्स लगता था, और किसी किसी राज्य में मल्टी स्टेज पर भी लगता था। तो अब तो सब खत्म हो गया, अब तो वैट के नियम से चलेंगे हम। वैट में तीन मेथड सजेस्ट किए गए हैं, एक एडिशन मेथड, दूसरा इनवॉइस मेथड। प्लीज नोट कीजिए इसको। दूसरा कौन सा मेथड है? इनवॉइस मेथड। इसको आईटीसी भी बोलते हैं, इसको वाउचर मेथड भी बोलते हैं। बड़े सारे नाम हो गए, एग्जाम में पूछते हैं इसलिए लिखवा दिया। तीसरा सबट्रैक्शन मेथड, सब ट्रैक्ट करना, घटाना, सबट्रैक्शन मेथड। एग्जाम में आपसे पूछेंगे वैट को कैलकुलेट करने का कितना तरीका है, तो आप क्या लिखेंगे? तीन मेथड, एडिशन, इनवॉइस और सबट्रैक्शन मेथड। अब एग्जामिनर हर एक मेथड के लिए थ्योरी और हर एक मेथड के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल सकता है। एग्जामिनर हर मेथड के लिए थ्योरी और हर मेथड के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल सकता है। तो पहले हम मेथड समझे, फिर देखेंगे इसमें थ्योरी में क्या लिखेंगे, क्या पूछा जाएगा। देखिए, ये सेल टैक्स लॉ तो है नहीं, इसलिए हमें क्या करना है, जैसे कोई आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, जैसे आप कोई और सब्जेक्ट में पढ़ते हो, तो आप कई बार चीजों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हो। जबकि इनकम टैक्स में तो कभी नहीं पढ़ा आपने ऐसा कि बताइए इनकम टैक्स के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लॉ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम नहीं ढूंढ सकते और हमें ढूंढना भी नहीं है। लॉ वो है जो सरकार बनाती है और हमें पालन करना पड़ता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो नहीं ढूंढ सकते। दरअसल वैट तो लॉ है नहीं, वैट क्या है? सिस्टम। सिस्टम को लॉ में डाला गया है, तो उसके कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है।
तो हमेशा आपको, जैसे मैं एग्जामिनर पूछेगा कि एडिशन मेथड क्या है, आप बता दोगे, वो कहेगा एडिशन मेथड के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो भी आपको बताना है। लेकिन आप तब बताएंगे जब आपको समझ आएगा, तो अभी हम समझना शुरू कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल है मिस्टर गणेश रजिस्टर्ड डीलर। बताइए रजिस्टर्ड डीलर मतलब जो व्यापारी है, कंज्यूमर नहीं है। परचेज्ड रॉ मटेरियल फॉर रुपीज 70,000 73,500 इंक्लूसिव 5% वैट। बताइए मे आई गैस कि ये माल इसने विद इन स्टेट लिया होगा या किसी बाहर राज्य से मंगवाया होगा? गणेश दिल्ली का डीलर है, कैन आई गैस कि ये दिल्ली से लिया है या बाहर से? अरे कैसे 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 गैस किया तुमने, कैसे गैस कर लिया, कैसे? क्योंकि वैट लगा है। वाह वाह मेरे शेर, अब देखना वैट तुम्हें कितना आसान लगेगा कि एग्जाम में जाने से पहले 10-20 बच्चों को पढ़ा दोगे तुम, क्योंकि वैट छोड़ रंजीत सर को, मैं पढ़ाता हूं तुझे। ओ पक्का पक्का, वैट की ट्यूशन ना लगा दी तुमने तो फिर क्या, कितनी बढ़िया पकड़ है। यही सब एग्जामिनर ट्रिक मारता है, यही सब ट्रिक मारता है कि कैसे पता चला लोकल है। अबे लोकल ही है, वैट लगा है तो लोकल ही होगा, सीएसटी नहीं होता फिर। वाह शाबाश, इंक्लूसिव 5% वैट फुल स्टॉप। ही इनकर्ड रुपीज 6,000 on cost of packing and other expense full stop. His profit margin is 10%. But the profit margin always we are calculating 10% ऑन कॉस्ट ऑलवेज। देखिए प्रॉफिट मार्जिन ऑलवेज कॉस्ट पे ही निकलता है। आपकी लागत कितनी है, आपको 10% चाहिए तो 10% आप किसका निकालोगे, कॉस्ट का ही तो निकालोगे। तो 10% ऑफ कॉस्ट ना भी लिखूं तो ऑब्वियस है कि ये कॉस्ट का है, ठीक है। आउटपुट टैक्स वैट is 5%, calculate VAT payable under all three methods.
देखिए टैक्स रेट हर अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। वैट सिस्टम ने एक खास बात क्या रखी है मैं आपको बताता हूं अभी। वैट सिस्टम ने रेट प्रेस्क्राइब्ड कर दिए और थोड़ा सा थोड़ी सी स्वतंत्रता लोकल सेल टैक्स लॉ को दी। यानी लोकल सेल टैक्स लॉ वैट के रेट तो बदल सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक। वैट सिस्टम ने जो व्हाइट पेपर ने रेकमेंड किया उन्होंने टैक्स रेट्स ऑलमोस्ट फिक्स कर दिए, ऑलमोस्ट बहुत माइनर सा उनको इंडिपेंडेंस दिया कि आप थोड़ा सा वेरिएंस डाल सकते हो, दैट्स ऑल। तो आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। रीजन बीइंग ऑलवेज रेट इज गिवन इन योर क्वेश्चन बिकॉज इट मे बी माइट बी चेंज फॉर अदर स्टेट, यू कांट फाइंड आउट योर द एग्जैक्ट रेट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट लॉ। इसलिए क्या होगा कि हर क्वेश्चन में आपको रेट जरूर मेंशन होगा, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। देखिए ये तो सबको पता है वेट पेबल कितना होगा, हर बच्चा कर लेगा, मुझे पता है मेरे बच्चे अब बहुत होशियार हैं। सो मुझे यहां मेथड सिखाना है, सो प्लीज मुझे मेथड सिखाने दीजिए। बताइए वैल्यू एडेड बाय रजिस्टर्ड डीलर, पहले ऐसा कर लीजिए क्योंकि परसेंटेज मार्जिन है, मार्जिन प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो पहले बताइए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना लेंगे, बताइए कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप एक्सक्लूडिंग वैट लेंगे या इंक्लूडिंग वैट लेंगे, क्यों क्यों एक्सक्लूडिंग लेंगे, मुझे कारण बताइए, मुझे लॉजिक दीजिए, मुझे लॉजिक दीजिए कि क्यों एक्सक्लूडिंग लेंगे। गलत लॉजिक, क्योंकि रिफंड मिल जाएगा, एग्जैक्ट करेक्ट लॉजिक, क्योंकि मुझे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। तो आपको क्या लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे, आपके आंसर क्या होने चाहिए थे अभी, क्योंकि मुझे इनपुट टैक्स का, जो इनपुट टैक्स है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बताइए अगर किसी कारण से क्रेडिट ना मिले, अगर किसी कारण से क्रेडिट ना मिले, अगर किसी कारण से क्रेडिट ना मिले तो क्या आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सक्लूडिंग टैक्स लेंगे या इंक्लूडिंग लेंगे। तब तो इंक्लूडिंग लेंगे। सर क्यों नहीं मिलेगा क्रेडिट, बड़ा सिंपल है, एक झगड़ा बताता हूं। अब एक झगड़ा सुनो, तुम इतने होनहार हो गए हो कि ये जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं इमेजिंग कंसेप्ट है, आप किसी से पूछ के देखना, अच्छे अच्छे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आप दो मिनट में सॉर्ट आउट कर दोगे। पंजाब से सरदार जी आए, अच्छा सरदार जी मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई अदरवाइज तो नहीं है ना बात, मतलब पंजाब से एक मेरे मित्र आए मिस्टर राम, अच्छा पंजाब से वो मित्र आए, पंजाब से मेरे मित्र आए राम, कहां दिल्ली, दिल्ली से उन्होंने माल परचेस किया और डिलीवरी पंजाब में मंगवाई। और क्या मैं हरियाणा, मैं लुधियाना में, जो मेरा मित्र है ना वो सरदार जी, थोड़ा वजन हल्का है उनका, है बड़ा स्ट्रांग। और एक मित्र मैं मुरादाबाद में जानता हूं, हमारे मित्र हैं, तो मुझे तो दोनों मित्र बड़े अच्छे लगते हैं। पठानकोट का मुझे पता नहीं, क्योंकि पठानकोट का फोटो मैंने देखा नहीं है, ध्यान नहीं है। आपने फोटो भेजा अपने रजिस्ट्रेशन में,
इसीलिए नालायक, तभी तो मैं तुझे नहीं जानता, तभी तो मैं दोस्त नहीं मानता तुझे। खैर चल, अब फोटो भेज देना, चुप हो जा। हाँ जयदीप, तो पंजाब से जयदीप सिंह आए। अब सुनिए कहानी, पंजाब से जयदीप सिंह आए दिल्ली, और दिल्ली में मुझसे कहा कि माल बेचना है। मैंने कहा बेचेंगे जी सरदार जी, आप बताओ 5 पेटी माल चाहिए। मैंने कहा ये लो जी सरदार जी। उसने कहा क्या मैं लेकर जाऊंगा, पागल समझाए है, जाओ पंजाब में डिलीवर कर दो। मैंने कहा ठीक है डिलीवरी हो जाएगी साहब, पैसे दो। पैसे ले लिए, डिलीवरी मैंने पंजाब में कर दी। बताइए मैं इस पर क्या चार्ज करूंगा, जयदीप सिंह से क्या चार्ज करूंगा, दसो तुसी दसो, जयदीप सिंह तुसी दसो क्या चार्ज करूंगा। सीएसटी मैंने चार्ज कर दिया। अब बताइए जयदीप सिंह का इनपुट टैक्स वैट है या सीएसटी, जयदीप सिंह का इनपुट टैक्स क्या है, वैट या सीएसटी? जयदीप सिंह का इनपुट टैक्स तो सीएसटी है, उसने क्या दिया, सीएसटी दिया ना। अच्छा अब सीएसटी किसको गया, पंजाब सरकार को कि दिल्ली सरकार को? सीएसटी किसके जेब में गया, दिल्ली सरकार के जेब में। अब जयदीप सिंह कहां धंधा कर रहे हैं, पंजाब में। अब जब पंजाब में जयदीप सिंह जी माल बेचेंगे, माल बेचेंगे और अपने सरकार को, पंजाब सरकार को जब जयदीप सिंह जी आउटपुट टैक्स देने जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, 66 रुपए आउटपुट टैक्स है, माइनस मेरा इनपुट टैक्स है सीएसटी 60 रुपए, वो घटाकर 6 रुपए, तो पंजाब सरकार क्या कहेगी, ऐसी की तैसी तुम्हारी, मुझे दिया तूने 60 रुपए, भाई साहब मेरा तो इनपुट है, भाई तेरा इनपुट होगा, मेरे पकड़ में आए, मेरे दुश्मन राज्य को तूने दे दिया, मेरे मुझे तो नहीं दिया, ऐसे कैसे तुझे दे दूं क्रेडिट, बोल दिमाग लगा रहे हो तुम, बड़ा लॉजिक है, बड़ा लॉजिक है, खुद ही दिमाग लग जाएगा कि यस सर परफेक्ट है। मैं भी अगर पंजाब गवर्नमेंट की जगह होता तो जयदीप सिंह को इनपुट का क्रेडिट नहीं देता, कहता सीएसटी तू कहां दे आया, दिल्ली राज्य सरकार को जा उससे मांग, मैं नहीं दूंगा। और दिल्ली राज्य सरकार तो देगी नहीं, तो कुल मिला के मामला खड्डे में, समझे ना, लॉजिकल है। इनपुट में अगर तूने सीएसटी दे दिया बच्चू तो ये दूसरे राज्य को दे आए, मुझसे मत मांगना क्रेडिट। इनपुट में अगर तूने सीएसटी दे दिया तो दूसरे राज्य को दे आया तू, मेरे से मांग मत लेना पिटोगे। तो कई बार इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता, जैसे आप अगर विदेश से इंपोर्ट करते हो माल, आप विदेश से इंपोर्ट करते हो तो क्या पे करोगे, आप सीएसटी थोड़ी दोगे, आप लोकल टैक्स भी थोड़ी दोगे, आप कस्टम ड्यूटी दोगे। अब कस्टम ड्यूटी तुमने रॉ मटेरियल पे किया और लेकर आ गए, अब बताओ क्या कस्टम ड्यूटी का तुम इनपुट क्रेडिट लोगे? भाई साहब हम सिर्फ वैट का क्रेडिट देते हैं, वैट, हम वैट के क्रेडिट के लिए बैठे हैं, तो उस पे तो दूंगा नहीं, नहीं दूंगा। तो बताइए कई बार इनपुट टैक्स जैसे सीएसटी, जैसे कस्टम, इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलता, तो फिर क्या होगा, बोलो बोलो, एडेड विथ कॉस्ट। तो जब भी इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलता वो कॉस्ट में जुड़ जाता है। तो बताइए यहां पर आप एक्सक्लूडिंग क्यों ले रहे हो, क्योंकि इसका क्रेडिट मिल जाएगा। बताइए कितना लोगे, 70,000 लोगे, क्योंकि 73,500 इज इंक्लूडिंग टैक्स, एड
आरडी वर्ड यूज किया मैंने, आरडी मतलब रजिस्टर्ड डीलर, जितना वैल्यू ऐड किया उस पे 5% निकाल दीजिए, आंसर आ गया। जितना वैल्यू ऐड किया उसका 5% निकाल दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, बताइए वैट वैट पेबल फिनिश कीजिए जल्दी। डन है जी, सब्ट्रैक्शन मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि आप सेलिंग प्राइस ले लो, इंक्लूसिव वैट। बताइए वैट के साथ सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? माइनस कर दो इसमें आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इंक्लूसिव वैट। ठीक है, फिर क्या आया? इसको आप इंक्लूसिव मानो,
और ये आ जाएगा वेट पेपर। ध्यान से देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं सिर्फ आपको, यस या नो, मेथड कोई भी लगाऊं बात तो वही बनेगी, कुल मिला के बेवकूफ बना रहा हूं। मैं क्या करूं, वैट सिस्टम में तीन मेथड रेकमेंड किए हुए थे, तीनों मेथड एग्जाम में पूछते हैं तो मुझे बताना पड़ता है। सर क्या तीनों मेथड से एक ही आंसर आएगा? अभी तक तो, बट आगे नहीं। बताइए क्या तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा? बताइए। हाँ बेटा लुधियाना, तीनों मेथड से एक ही आंसर आएगा। पैकिंग मटेरियल पे भी वैट है ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो कैसे आप ट्रेस करोगे कि पैकिंग मटेरियल पे कितना वैट पे किया है? इफ यू पेड वैट ऑन पैकिंग मटेरियल द इनपुट क्रेडिट विल ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर दैट। इफ यू पेड पैकिंग मटेरियल, इफ यू पेड पैकिंग मटेरियल वैट ऑन पैकिंग मटेरियल द इनपुट क्रेडिट विल ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर दैट। लेकिन क्वेश्चन में तो अभी है नहीं, तो आप जबरदस्ती की चीरफाड़ कर रहे हो। एक आदमी अपने बुखार के लिए आया है, आपसे दवा मांग रहा है, आप उसका ऑपरेशन किए जा रहे हो। मैं मानता हूं आपके अंदर ऑपरेशन का हुनर है, लेकिन मरीज भी तो देखो भाई, वो मरीज बेचारा सर्दी खांसी बुखार है और आप कह रहे हो चलो आज ही ऑपरेशन सिखाए कर दिखाऊं तुझे। तो फरीदाबाद आपका जो क्वेश्चन है यहां रेलिवेंट है क्या? नहीं, लेकिन आगे रेलिवेंट हो जाएगा जब पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा, जब तुम्हारे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो करना। अभी इस बेचारे के ऊपर चढ़े हुए हो तुम, छोटा सा क्वेश्चन है दो लाइन का, उसने माल खरीदा है, सामान जोड़े हैं और बेच दिया और उसी में लगाए जा रहे हो सब सारे नियम। ठीक है, हाँ पहला पेशेंट लास्ट होगा, सही कह रहा तू। अच्छा 8780 कैसे कमिंग ऐसे कमिंग, अभी बस बस चुपचाप बैठे रहिए, अभी चुपचाप बैठे रहिए। अभी आपसे मैंने पूछा, मुझे भरतपुर का जवाब बड़ा ही प्यारा लगा और मेरे ख्याल से और भी लोगों ने जवाब दिया था, लेकिन भरतपुर पर ही नजर गई मेरी, मे भी और भी लोगों ने दिया हो। जवाब प्रश्न ये था कि क्या ऑलवेज दोनों मेथड में, तीनों मेथड में आंसर सेम आएगा? तो आपने लिखा था, मोगा ने लिखा था मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी। चलिए फिर से पूछता हूं भरतपुर, अपना जवाब रिपीट कर देना, क्या सभी मेथड पे, तीनों मेथड में आंसर वैट पेबल हमेशा सेम आएगा? पठानकोट ने भी लिखा है, बहुत बढ़िया। जवाब था कि नॉट नेसेसरी इफ वैट रेट, इनपुट रेट एंड आउटपुट रेट इज चेंज्ड, then the VAT payable under all methods shall become difference। मान लीजिए मैं एक सामान बनाता हूं, इसको बनाने में मुझे प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, प्लास्टिक। जब मैं प्लास्टिक परचेस करता हूं तो मेरा VAT का रेट है 5%, प्लास्टिक पर VAT 5% की रेट से है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनता है ये है कॉलबेल, और कॉलबेल जो बनता है, बेल है, इसको बजाऊंगा तो लड़का आ जाएगा, सर क्या दिक्कत है आपको? ये वो चीज है, बजाया तो बाहर से आ जाएगा, सर क्या परेशानी है? तो मैं कहता हूं ना, देखो जरा बूंदी में परेशानी आ रही है, देखो जरा फिरोजाबाद में दिक्कत आ रही है, बोलता हूं ना, तो ये बेल है। तो ये बेल प्लास्टिक से बना, अब प्लास्टिक मैंने परचेस किया और भी इक्विपमेंट्स लगे, जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा उस पर 5% वैट है, लेकिन जब ये बेल तैयार हो जाता है, इसको बेचने गए तो इस पर सरकार ने 12.5% का वैट चार्ज किया है, 12.5%।
क्या चार्ज किया है 12.5%, यानी मेरा आउटपुट टैक्स 12.5% है, बट द बजाऊं क्यों परेशान करूं किसी को नालायक ऐसे नहीं करते, गलत बात। तो सुनिएगा, तो जो मेरा इनपुट टैक्स है वो 5% है और आउटपुट 12.5% है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और तीनों मेथड से आप आंसर करोगे तो वो आंसर अलग अलग आएगा। जी हां, दिखाऊं? चलो करते हैं फिर चलो टूट पड़ो, लिखो एग्जाम्पल नंबर टू। पहला कौन सा मेथड था? देखिए यहां तक तो सेम आंसर आ गया, पेज अप में तो कुछ था ही नहीं भाई, ये वाला आप करूं पेज, यहां तो इतनी देर पड़ा रहा है ये। बैट आउटपुट बैट 12.5% है, दूसरा था इनपुट टैक्स 12.5% क्या था? पहले निकालिए आउटपुट टैक्स 12.5% ऑफ 83,600, माइनस कीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट
5% ऑफ 70,000, ये कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। एक मेथड कहता है 1700 दीजिए, एक मेथड कहता है 6000 रुपए दीजिए, 7000 रुपए दीजिए, कितना बड़ा चेंज आ गया। सब्ट्रैक्शन मेथड, क्या कहेगा, 83600 प्लस 12.5% बराबर 94,50 माइनस 70,000 प्लस 5% बराबर, यही किया था पिछली बार आपने। अभी गवर्नमेंट पे आ जाएंगे, पहले सीख तो ले, बेचैनी हो गई तुम्हारे को है, कौन है अभिषेक है क्या, फिर क्या करते हम, तीसरा कुछ और लेके आ गया, मतलब ये तीनों मेथड अलग अलग रेट बता रहा है। अब ये तो हद हो गई, अभी तो तीनों भाई भाई थे, एक ही रेट आ रहा था, अब तीनों के रेट ही बदल गए, ये क्या बात हुई। कौन सा मेथड समझ नहीं आया बताओ, कौन सा मेथड समझ नहीं आया, एक भी समझ नहीं आया, यहां सारा समझ आ गया था, पहले एग्जाम्पल में सारा समझ आया था, बकवास, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बकवास। आपको ये कंफ्यूजन हो गया कि पहला मेथड, पहले जो आपने किया था वो समझ आ गया, या आपके मन का वहम है, क्योंकि पहले जिसको समझ आ जाएगा उसको दूसरा भी समझ आ जाएगा, मैंने दूसरे में रेट ही तो बदला है तो आप बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देखिए आपने लिख भी दिया डी के एस बकवास, ठीक है, तो आपको इसका मतलब पहले भी आपको समझ नहीं आया था, हाँ टाइम पास कर रहे थे, ये पक्की बात, पक्की बात, देख कुछ नहीं समझ आया तुझे, इसलिए नहीं कि मैं दोबारा बता रहा हूं, बल्कि इसलिए कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में कुछ भी परिवर्तन नहीं है, सिर्फ रेट का चेंज है। बताइए एडिशन मेथड क्या कहता है, अब मैं फिरोजाबाद और मुरादाबाद और इलाहाबाद और ग्वालियर और मोगा और ये और वो और सबको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से मेरे दोस्तों, एडिशन मेथड में पहले हम एडिशन करते थे और उस पर आउटपुट वैट निकालते थे, आउटपुट, ये जो पहले आपने देखा ना पहला एग्जांपल, इस पहले एग्जांपल में ये जो एडिशन किया हमने, इस पर ये जो वैट लगाया, ये कौन सा वैट था, आउटपुट के इनपुट। अब फिरोजाबाद सामने तो आ नालायक, आउटपुट निकालते थे, अब बताओ एडिशन तो वही है ना, इस पर आउटपुट वैट 1700 आया, क्या समझ नहीं आया तुझे, कौन है नितिन है, बोल बोल, बोलता क्यों नहीं, क्यों नहीं समझ आया बता, अब बता, 13600 ही तो लिया था पीछे भी और अभी भी
फर्क क्या है? आउटपुट वैट 5 की जगह 12.5 हो गया, 12.5 से गुना कर दिया। अब बोल पहला मेथड ठीक है, अब मैं दूसरा समझाऊं। अवनीश ही है। अच्छा, अवनीश को माफ कर दिया, चलो अब गुलशन को भी माफ कर दिया, अब सुनो रजत को भी माफ कर दिया। नालायक, पहले सुनने दे मुझे, समझाने दे। फरीदाबाद फिर चीरफाड़ करना शुरू कर दिया तूने। अब सुनो सेकंड मेथड में, सुनो जिन बच्चों को नहीं समझ आया, सेकंड मेथड में इनपुट टैक्स क्रेडिट मेथड है। ये क्या कहता है? आउटपुट टैक्स निकालिए, टैक्स निकालिए। तो भाई साहब आउटपुट पे सेलिंग प्राइस पे टैक्स निकाल दिया आउटपुट टैक्स, और परचेज पे जो मैंने पे किया वो इनपुट टैक्स, उसका डिफरेंस पे होगा। बोलो। अब सेकंड मेथड देखो, आउटपुट टैक्स निकालो तो आउटपुट टैक्स तो 83,600 पे निकलेगा, 12.5। पिछले क्वेश्चन में 5% निकला था, अब 12.5 निकलेगा, इनपुट तो वही रहा, तो ये आ गया आंसर। अब बोल समझ नहीं आया तो बोलता क्यों नहीं, अब सब्ट्रैक्शन क्या कहता है भाई साहब? जो आउटपुट टैक्स और सेलिंग प्राइस को इकट्ठा करके आया और इनपुट टैक्स और परचेज प्राइस को इकट्ठा करके आया, उसको लेस कर दो, जो आएगा उसको इंक्लूसिव मान के आउटपुट टैक्स निकाल लो। अब तुम्हें एक मिनट दे रहा हूं एनालाइज करने के लिए, बोलो समझ आया कि नहीं तीनों मेथड, दोनों क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करेंगे देख लेंगे ना, अभी बताओ। हां तुझे आता है, तू नहीं तो कहा था नहीं समझ आया, अब कह रहा आता है। तीसरा, फिर से तीसरा मेथड कहता है कि जो सेलिंग प्राइस है इंक्लूसिव वैट, भाई सेलिंग प्राइस है 83,600 प्लस 12.5% वैट, उसमें घटा दो परचेज प्राइस इंक्लूसिव वैट यानी 73,500, जो आए वो बैलेंस इंक्लूसिव वैट मानो यानी 112.5 आउटपुट वैट, मल्टीप्लाई आउटपुट वैट का रेट निकालो, आंसर आ गया। अरे रीजन भी कर लेंगे पहले, समझने तो दे, समझ लेने दे मेरे बच्चों को। पहली बार मैंने भी जब देखा था तो तुम्हारी तरह मैं भी अजीब से कंफ्यूजन में आ गया था, भाई ये क्या हो गया, पहले तीनों मेथड से सेम आंसर है, वही क्वेश्चन सिर्फ वैट का चेंज कर दिया आंसर बदल गया, भाई ये क्या हो गया, अलग अलग आ गया, सब गड़बड़ हो गया। और मेरे प्रश्न में भी वही जवाब था, प्रश्न था स्वाभाविक जो आपके मन में है कि अप्लाई कौन सा करेंगे, अप्लाई कौन सा करेंगे, अप्लाई करेंगे ITC मेथड, द सुपर डुपर हिट मेथड। क्या अप्लाई करेंगे? ITC मेथड। तो बताइए रियल वैट पेबल कितना आया, रियल वैट पेबल कितना आया बताइए, 6950। लॉजिक क्या है इसके पीछे? बड़ा सिंपल लॉजिक है। आप देखिए एडिशन मेथड में आपने 83,600 लिया और 70,000 में आप लेकर आए थे, आपने दोनों का डिफरेंस निकाला और गुना कर दिया 12.5 से और आंसर आ गया आपका 1700। क्या आ गया था? 1700। बताइए यहां पर आपने क्या मोटी गलती कर दी, आपका 12.5% यहां पर वैट है, आपने यहां भी 12.5% अज्यूम कर लिया। मुझे बोलने देने, पिटाई करूंगा, मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं और तू फालतू की बातें पूछ रहा है, बंद कर। 12.5% इस पर वैट लगना था, आपने यहां भी 12.5% वैट अज्यूम कर लिया, जबकि वैट तो आपने 5% दिया। यू पेड ओनली 5% एंड यू विल गेट क्रेडिट 12.5%। वाह जी वाह, तभी तो आया ये, कैसे आया बताऊं? इस पर 12.5% निकालना जरा, 8,750 और इस पर 12.5% निकालना,
दस 450, इनका फर्क देखना 1700 रुपए, यानी दिया 5% और मजा लिया 12.5 का। वाजी वाह, ऐसे थोड़ी होता है। समझ गए? पैसेंजर का टिकट कटा के एयर कंडीशन में बैठ गए, गलत बात, गलत बात। भाई टिकट कटाया था तूने 5% का, मजा ले लिया 12.5 का, नहीं मिलेगा। तो क्यों फर्क आ रहा है आपको पता चला? पता चला क्यों फर्क आ रहा है? सिमिलरली लास्ट मेथड में भी आपने कुछ ऐसा ही किया है, चूंकि वो इंक्लूसिव करके किया है इसलिए 1700 के बजाय थोड़ा सा चेंज आ गया आंसर, क्योंकि आपने इंक्लूसिव ले लिया। ठीक है, बताइए शुद्ध रूप से आपको कितना मजा मिलना चाहिए था 5% का? कितना बोलो? 5% का। और यह मजा आपको मैं तभी दे सकता हूं जब मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं बोलो? तो क्यों आईटीसी सुपर डुपर हिट है? क्योंकि इसी में रियल बेनिफिट शो होता है। आप कहोगे सर हम तो दूसरा यूज करेंगे। अरे बेटे सोचो अगर ऐसी परिस्थिति रही तो क्या हाल होने वाला है तुम्हारा? तब तुम मरोगे, तब तुम मरोगे। हाँ, इसलिए सरकार ने पूरे देश में कंपलसरी कौन सा मेथड अप्लाई करवाया? आईटीसी। सर अगर कंपलसरी है ये तो फिर आपने ना दोनों दूसरे मेथड क्यों बताए, बेकार में बताए, जब इससे काम हो ही सकता है दूसरे मेथड क्यों बताए? सही कहा तुमने, दूसरे मेथड मुझे नहीं बताने चाहिए थे, नहीं तो फिर क्यों बताए? क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कि व्हाइट पेपर ने वैट सिस्टम में कितने मेथड रिकमेंड किए थे। तीनों मेथड से कैलकुलेशन करने पर क्या आता है और तीनों में बेस्ट मेथड कौन सा है? समझे तुम क्या पढ़ रहे थे? एग्जाम के क्वेश्चन, एग्जाम में क्या पूछते हैं? व्हाइट पेपर ने वैट को कैलकुलेट करने के कितने मेथड बताए थे? तीनों मेथड के लाभ और हानि बताओ, तीनों मेथड को अप्लाई करने का तरीका बताओ, तीनों मेथड में क्या सेम आंसर आएगा, नहीं कब कब अलग आएगा, किस परिस्थिति में बताओ, और तीनों में बेस्ट कौन सा है जो पूरे देश पे लगता है। शांत रहते तो भी मैं इतनी बातें बोलता नहीं, बोलता मारते रहते हैं, मारते रहते हैं मैसेज। सर कंपलसरी है क्या? सर दोनों में फर्क आ रहा है। सर क्यों फर्क आ रहा है? अच्छा बच्चे ही तो हो, तो यू मे आस्क वेरियस क्वेश्चन। नहीं आप ग्रेट हैं, मैं तो सिर्फ आपके ग्रेटनेस को बताने आया हूं कि आप ग्रेट हैं, बस थोड़ा सा आपको मुलाकात करवा देता हूं। मैं कोई अलग थोड़ी हूं, तुम्हारे अंदर के ज्ञान को ही तो दिखाता हूं। टह छोड़ो, ये बातें नहीं समझ आएगी तुम्हें, ये बातें नहीं समझ आएगी, छोड़ दो। अच्छा सुनिएगा प्लीज, अभी छुट्टी नहीं है, अभी छुट्टी नहीं दे रहे। चुप हो जा, अभी तो तुम ही परेशान कर रहे थे। मैं डांट नहीं रहा था, तुम लोगों को डांट रहा था, फरीदाबाद को भी डांट रहा था, मैं डांटता तो सबको हूं, अलवर को भी पीछे डांट रहा था। डांटने में कोई कमी नहीं छोड़ता। अब एक अजीब सी चीज है, सुनिएगा। हाँ मस्का लगा रहे हैं कि जल्दी छुट्टी दे दें, लेकिन मैं ये मानने वाला नहीं हूं, छुट्टी समय पर मिलेगी। चुपचाप पढ़ो, मेरी बात सुनो। बताइए आरडी मतलब होता है रजिस्टर्ड डीलर, आरडी परमन। आरडी मतलब होता है
अच्छा, फिरोजाबाद, बहुत अच्छी। थैंक्स भाई। भाई मैं सबके तारीफ का धन्यवाद करना भूल गया, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, कभी तुम ही में से कोई बुराई भी करता है? कभी कर देते हैं, बच्चे ही हैं। मैं डांटने में कमी नहीं छोड़ता हूं, डांट भी देता हूं, कोई बात नहीं, अच्छाई बुराई दोनों है। सुनिए, आरडी का मतलब है रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड मतलब लोकल सेल टैक्स में आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, कराओ। सर कब कराएं? सुनिएगा बच्चों, सर कब कराएं? अब तो हद हो गई, अब मैं सलमान खान भी बन गया, अब तो चुपचाप पढ़ ले, नहीं तो मैं देखना बंद कर दूंगा। चैटिंग बंद करो, इधर सुनो, नहीं तो बस सब हीरो आ जाएंगे और कोर्स कवर नहीं होगा, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, चुप हो जाओ। जय हो, हां जय हो, अब सुनो, जय हो। रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर का मतलब होता है जिसने लोकल सेल टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, ठीक है जी, लोकल सेल टैक्स में रजिस्टर्ड कराया। लोकल सेल टैक्स यानी कि हर राज्य का अपना सेल टैक्स है, वहां रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो किसको कराना पड़ता है हर राज्य के लोकल सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन? व्हाइट पेपर ने कहा था कि जिसकी सेल एक्सीड हो जाए 5 लाख से। भाई साहब, व्हाइट पेपर 2005 में लागू हुआ, आज 2014 आ गया, हर राज्य में महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, दाम चीजों के दाम बढ़ गए, सेल भी बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई, तो हर राज्य ने इस लिमिट को इंक्रीज करके 10 लाख रुपए कर दिए। यानी आज ये सभी राज्यों में क्या नियम होगा कि जिस डीलर का, डीलर मतलब बिजनेसमैन जो कंज्यूमर नहीं है, जिस डीलर की सेल 10 लाख के ऊपर चली जाए, जिस डीलर की सेल 10 लाख के ऊपर चली जाए, वही डीलर अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए अनिवार्य है, बाध्य है। बाकी डीलर की मर्जी है, कराओ ना कराओ वो तुम्हारी मर्जी, तुम करा भी सकते हो नहीं भी करा सकते हो। तुम कराओगे तो यू आर रजिस्टर्ड डीलर, नहीं कराओगे यू आर नॉट ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड डीलर। यू आर वॉट? यू आर URD, यू आर डी अनरजिस्टर्ड डीलर वर्सेस RD रजिस्टर्ड डीलर। बताइए एग्जाम में आएगा कि रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट क्या है, या ऐसा आएगा किस डीलर को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, बताइए क्या बोलेंगे आप? ना 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 ना, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके जवाब पे मिलेगा 2 नंबर या 1.5 नंबर। हां जी, आप कहना व्हाइट पेपर प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी डीलर हु इज एंगेज्ड इन बिजनेस एंड टर्नओवर ऑफ सच डीलर एक्सीड ₹5 लाख, देन सच डीलर मस्ट बी गॉट रजिस्ट्रेशन। उसके नीचे आप लिखिएगा हाउ एवर सच लिमिट ऑफ ₹5 लाख इज नाउ इंक्रीज्ड बाई ऑलमोस्ट स्टेट लॉ एंड नाउ इट इज ₹10 लाख। देयरफॉर एज पर लोकल सेल टैक्स लॉ, टर्नओवर वेयर टर्नओवर ऑफ एनी डीलर एक्सीड ₹10 लाख, देन सच डीलर विल गेट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। देखा नंबर कैसे उठाते हैं, खाना तो वही खिलाया आपको 10 लाख वाला, लेकिन परोसकर पहले थोड़ा सा सूप पिलाया, भूख तेज हुई, फिर खाना खिलाया, थोड़ा अच्छा लगा, जाते समय थोड़ा आइसक्रीम भी खिला दिया। बस नंबर उठाने के यही तरीके होते हैं भाई, बोला तो तुमने सही, गलत थोड़ी बोला, लेकिन वो नंबर नहीं दे पाया, नंबर निकालना पड़ता है।
वो रोक ना सके अपने आप को, वो कहे ले भाई पूरे नंबर तेरे, समझे क्या? चुप हो जा, ढाई नहीं मिलेंगे, तीन मिलेंगे, तीन। ठीक है, तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डीलर, किताब में ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं रीड भी करूंगा, तीन क्लास हमने रखे हैं अभी तो ऐसे नहीं, रीड भी करूंगा। लेकिन इनके बीच में फर्क क्या है मैं बताता हूं, दो मोटा मोटा फर्क है। पहला फर्क, सरकार अनरजिस्टर्ड डीलर को कंज्यूमर मानती है, सरकार अनरजिस्टर्ड डीलर को कंज्यूमर मानती है और कुछ नहीं मानती, कहती है हमारे लिए कंज्यूमर है। आप देखते हो किसी आपके घर के पास कोई दुकान है, वहां से आप सामान खरीदते हो, पेन खरीदते हो पेन, तो आपसे वो क्या कहता है, पेन ₹10 का प्लस ₹2 सेल टैक्स, कहता है ऐसा? वो कहता है भाई साहब एमआरपी ₹12 है। सर देंगे कितने में ये बताइए? ₹12। फिर हम नहीं लेंगे, लाओ ₹10 लाओ। फिर भी नहीं लेंगे, पांच पेन चाहिए, ठीक है ₹9 ला, ₹45 ला, चल बताइए कहां सेल टैक्स ले रहा है वो? वो ले भी नहीं सकता, दे कांट चार्ज सेल टैक्स बिकॉज दे आर अनरजिस्टर्ड डीलर। तो बताइए हु कैन चार्ज सेल टैक्स? ओनली, आवाज नहीं आई, रजिस्टर्ड डीलर, ओनली रजिस्टर्ड डीलर कैन चार्ज सेल टैक्स। क्या चाहिए आपको? वो वाला कैमरा चाहिए, उठाइए ले जाइए, को क्या दिक्कत है, कोई मना कर रहा है? हमारा कैमरा मत ले जाइएगा, जाइए जाइए लेके। हाँ जी, तो ओनली रजिस्टर्ड डीलर कैन चार्ज, कोई बात नहीं, आप आ भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, हैंडसम है आप भी, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, हमारे कैमरामैन थे वो परेशान हो रहे थे, उनसे बात कर रहा था मैं। अरे दिल्ली तक क्यों, दिल्ली से दिल तक आ गई, तू कहां रुक रहा है ऐसे कैसे? दिल्ली से दिल तक आ गई, तू क्या बात कर रहा है? आ सकती है, ओनली रजिस्टर्ड डीलर कैन चार्ज सेल टैक्स। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, बहुत बहुत अहम है। सरकार किसको इनपुट का क्रेडिट देगी? बोलिए, सरकार किसे इनपुट का क्रेडिट देती है? रजिस्टर्ड डीलर को। और रजिस्टर्ड डीलर ने यदि माल अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा ना, तो ऐसे माल का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। तो रजिस्टर्ड डीलर ही रजिस्टर्ड डीलर फैले हुए हैं, रजिस्टर्ड डीलर ही मात्र चार्ज कर सकते हैं सेल टैक्स। दूसरा, रजिस्टर्ड डीलर को ही मात्र मिलता है इनपुट क्रेडिट। तीसरा, रजिस्टर्ड डीलर को इनपुट क्रेडिट मिलता ही तब है जब उसने इनपुट टैक्स किसी रजिस्टर्ड डीलर को जमा किया है। समझे? लिखो जरा,
बताइए, समझ आया तीनों पॉइंट? जिसने कहा एक बार और, उनको समझ आया? देते हैं डिस्काउंट, आरडी डिस्काउंट देते हैं, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस पर वैट चार्ज कर देते हैं। अब आपको मैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में एक इसका उदाहरण दिखाता हूं, आपको मजा आ जाएगा, मजा बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप किसी अपने पेरेंट के साथ सामान खरीदने गए, कहां गए? शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप पे आपने एक जैकेट खरीदनी है, जैकेट का प्राइस 5000 रुपए है, वहां टैग लगा हुआ है 40% ऑफ। आप कहेंगे 5000 का 40% ऑफ, पिताजी 3000 का पड़ेगा, खरीद लो। वहां सेल्समैन कहेगा नो सर नो, प्लस वैट एक्स्ट्रा। ओके ओके, वैट कितना है? 5% है। 5000 प्लस 5% बराबर 5250 का 40% ऑफ माइनस 3150 का पड़ेगा पिताजी। वही फिर बोलेगा नो सर नो, यू आर कैलकुलेटिंग रॉन्ग वे। फर्स्ट 5000 टेक मल्टीप्लाई 40% ऑफ इक्वल्स टू 3000 प्लस 5%, ये बनेगा सर। ओ ऐसा होता है? हां जी। तो जो ऑफ मारते हैं, डिस्काउंट देते हैं, उस पर फिर डिस्काउंट देकर जो आता है उस पर वैट जोड़ लेते हैं। गेट इट माय पॉइंट? अब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग एक ही पड़ेगा, लेकिन जहां डिस्काउंट डबल होता है वहां दिक्कत आती है। डबल कहां होता है? आपने देखा होगा 50% प्लस 20% ऑफ। मतलब क्या आपका भाई? 50% प्लस 20% तो 70 होता है। नहीं जी नहीं, पहले लीजिए 50%, फिर जो आया उस पर लीजिए 20%, अब जो बना उस पर प्लस कीजिए वैट और लाइए पैसा, सामान ले जाइए। तो बताइए, डिस्काउंट तो देता है लेकिन वैट डिस्काउंट देने के बाद ऐड कर देता है। कितने इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं आप सब हैं। मेरा काम अधूरा रह गया, जरा इनको स्टार लगाइए। तो आपकी ही तरह ये स्टार हैं हमारे, आपकी तरह ये सारा स्टार है हमारा। जरा स्टार 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 भर दो और लिखो रजिस्टर्ड डीलर हु डज नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। सर मतलब क्या हुआ आपका? मतलब एक आरडी ऐसा है जिसे सरकार आरडी मानती है मगर जानती नहीं। नहीं गलत बोल दिया, जानती है मगर मानती नहीं। एक आरडी ऐसा है जिसको सरकार जानती है रिकॉर्ड में आरडी, लेकिन मानती नहीं आरडी, कहती है तूने तो कंपोजिशन ऑप्ट कर लिया है जी, देन मैं नहीं मानता यू आर आरडी, बट यू आर आरडी मानता नहीं। सर ये कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? नेक्स्ट क्लास के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए, तो नेक्स्ट क्लास सीखेंगे व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम। और नेक्स्ट क्लास में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने क्या रखा है, तीन क्लास में थ्योरी प्रैक्टिकल को मिक्स रखा है, यानी आज मैंने प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों कराए, कल नेक्स्ट क्लास भी प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों कराऊंगा, उसके नेक्स्ट भी प्रैक्टिकल थ्योरी तीनों कराऊंगा। होगा क्या, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि कुछ बोरिंग भी थ्योरी है, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज बोरिंग है, रटना पड़ेगा, पॉइंट्स है रटना पड़ेगा, कुछ तुक्का भी है, कुछ गलत एडवांटेज जोड़ दिया है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो नंबर चाहिए, तो कुछ एडवांटेज यूं ही जोड़ दिया है। जोड़ते थे ना हम लोग एडवांटेज, लाभ लिखे हानि लिखे तो जबरदस्ती हानि भी जोड़ते थे, वही लाभ हानि का चक्कर है। तो इसलिए हम लोग इसमें प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल दो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मर्ज करके चलेंगे। गेट इट? बाय बाय। जिनको भी सर सेट ऑफ और क्लबिंग में नहीं दिक्कत आ रही है, नहीं मिल पाया बैकअप, मुझे इमीडिएट अपने कोऑर्डिनेट से बात कराएं, और मैं जानना चाहूंगा उनको दिक्कत क्यों आ रही है। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास थर्सडे।